आप लोगों को मेरी वॉइस सुनाई पड़ रही है? यस यस सर, सर। वॉइस क्लियर है? यस सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। आज फर्स्ट लेक्चर है मेरा आप लोगों के लिए। आप लोगों का क्या क्या टॉपिक चल रहे हैं बाकी और लेक्चर्स में? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, तीन टॉपिक चल रहे हैं पहले से। तो मतलब आपको आने वाले लेक्चर्स के लिए कुछ पॉइंट्स मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, तो आगे उनको फॉलो करेंगे। एक तो जब आप लोग लेक्चर अटेंड करें, स्पेशली मेरा लेक्चर अटेंड करें, तो टाइम से आप लोग ज्वाइन कर जाया करें लेक्चर को, ठीक है? मैं 1 or 2 मिनट मैक्सिमम डिले करता हूँ, मैं फिर राइट टाइम हो जाता हूँ, तो किसी का छूटेगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओके सर। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि राइट टाइम आप ज्वाइन कर जाएंगे। और जैसे कोई आपको कहीं पे कोई डाउट होता है जब मैं कोई टॉपिक डिस्कस करूँगा, तो कोशिश करें कि थोड़ा पेशेंस रखें, हो सकता है कि वो डाउट आपका सेम डे सेम लेक्चर में आगे किसी पॉइंट में फिर से वो एलिमिनेट हो जाए। अब हो सकता है कि तब तक एलिमिनेट नहीं होता है तो लेक्चर के बाद आप उसको डिस्कस कर सकते हैं जिनको भी डाउट होगा, क्योंकि लेक्चर के साथ सभी के डाउट एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, उससे लेक्चर फिर आगे सिलेबस नहीं हो पाएगा, ठीक है? जो 2 आवर्स का टाइम है उसमें उसका मैक्सिमम यूज तभी हो पाएगा जब आप अपने डाउट को लेक्चर के बाद डिस्कस करें। सेम टाइम पे डिस्कस करेंगे तो उसमें टाइम बहुत चला जाता है। कोशिश करें कि जो आप लोगों की तरफ से डिस्टरबेंस है वो कम से कम हो। जिनके बैकग्राउंड में कोई नॉइज होता है वो अपने को खुद से म्यूट रखें, नहीं तो फिर मुझे फोर्सफुली म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब आगे के लिए लेक्चर्स के लिए भी फॉलो करना है। अगर मुझसे बाई मिस्टेक कोई एक्सप्रेशन में कोई मिस्टेक हो जाता है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कोई स्टेप रॉन्ग नॉट हो जाता है, जो पॉसिबिलिटी है 1% रॉन्ग होने की, जैसे मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और बोलते हुए मैंने करेक्टली बोला बट नॉट करते हुए कहीं पे प्लस माइनस का कोई मिस्टेक हो गया, तो वो सेम पेज पे वो डिक्टेट कर देंगे तो सभी को वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? डाउट के लिए आप कोशिश करें कि लेक्चर जब कंप्लीट हो जाए तब आप डाउट डिस्कस करें। कोई मिस्टेक अगर लगता है तो उसके लिए आप कोई भी 1 or 2 स्टूडेंट अपने को अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके सर। ठीक है। और जब मैं आप लोगों से कुछ रिप्लाई करने के लिए बोलूं तो तब जरूर रिप्लाई करें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम ट्राई करने के लिए बोलता हूँ तो सभी अपने नोटबुक में जरूर ट्राई करें। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को पहले से जो मैं पूछ रहा हूँ वो रिजल्ट पता हो, तो वो मेमोरी बेस्ड ना बताएं। अगर उसमें कहीं ट्राई करने के लिए बुलाए, कैलकुलेट करने के लिए बुलाए, तो कैलकुलेट करके बोलें। इट मीन्स आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, नहीं तो ये लगेगा कि आप लोग मेमोरी बेस्ड बोल रहे हैं। मेमोरी बेस्ड जब आप आगे प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तो उससे एक्यूरेसी डिस्टर्बेंस होता है, एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होती है। अगर आपको आता भी है, पहले आप लोगों ने वो सॉल्व किया भी है स्टेप, तो फिर से ट्राई करके बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और एक्यूरेसी भी आपका इंक्रीज होगा। ओके सर। लेक्चर के कंप्लीट होने पे या लेक्चर के साथ आप लोग अपनी तरफ से नोट जरूर बनाएंगे, उससे आपको खुद से प्रैक्टिस होता जाएगा, आप लोगों को ही फिर से कोई मिस्टेक है तो वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स पे ही बेस्ड रहेंगे तो हो सकता है कि आगे जब आपको खुद से रिवाइज करना हो तब डिफिकल्टी फेस हो। तो कोशिश करेंगे कि साथ के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाते जाएंगे, और सभी टॉपिक का एक स्टेटमेंट और अच्छे से सुन लें, सभी टॉपिक का एक ब्रीफ नोट्स जरूर बनाएं। पूजा सिंधु देखो, जिनके बैकग्राउंड में नॉइज है, जिनकी तरफ से डिस्टरबेंस हो रहा है, वो मेरे स्टेटमेंट को सुने अपने को म्यूट करके। अगर डिस्टरबेंस नहीं है आपकी तरफ से तो अपने को अनम्यूट रख सकते हैं।
नहीं तो मुझे फिर सभी को फोर्सफुली म्यूट करना पड़ेगा। फर्स्ट लेक्चर है, अभी मैं आप लोगों को हिंट कर रहा हूँ, ठीक है? जो आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी लेक्चर्स के लिए, मेरे लेक्चर्स के लिए, आने वाले लेक्चर्स के लिए वो फॉलो करना है आप लोगों को। तो आप लोग एक ब्रीफ नोट्स बनाएं सभी टॉपिक का, उससे आपको रिवीजन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब आप बल्क नोट्स बनाते हैं डिफरेंट टॉपिक के लिए, डिफरेंट नोट्स बुक आप बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थ्योरी के साथ साथ, कंसेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और इंडिविजुअल टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स बहुत ज़्यादा हैं, और जब क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो आपका नोट्स बल्कि बनेगा। आपको फिर साथ में ये डिमोटिवेशन होगा कि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है टॉपिक का, तो आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा अच्छे से, या उसमें हो सकता है कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आप पढ़ने लगें। तो कोशिश ये करें कि हर टॉपिक पे एक ब्रीफ नोट्स जरूर बनाएं, एक सिंगल लेक्चर में सभी के लिए बना सकते हैं। शुरुआत चाहे मैथमेटिकल फिजिक्स से कर लें, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स, या जो भी टॉपिक के लिए आप करना हो, 10 और 15 पेजेस में आपका पूरा सिलेबस ब्रीफ में नोट हो जाएगा, और उसको आप जब चाहें टाइम निकाल के रिवाइज कर सकते हैं। उससे एग्जाम के टाइम का जो वन मंथ होता है, जिस टाइम पे आपको हर एग्जाम के बाद ये लगता होगा कि इस एग्जाम, आने वाले एग्जाम की हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, हम उससे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो उस तरह के आप सिचुएशन को आप टैकल कर सकते हैं। आपको कभी ये फेस नहीं होगा कि आपको रिवीजन नहीं है, ये टॉपिक रिवाइज नहीं है। और जब भी किसी टॉपिक का खुद से आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो ऐसे सॉल्व करें जैसे एग्जाम में करना है। आपके पास सिर्फ जो लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसका माइंड में आपको हिंट होना चाहिए, बाकी आपके पास कोई नोटबुक का हेल्प नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम करते हुए, ठीक है, आपको कहीं से किसी और आपके साथी से कोई हिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो सिचुएशन नहीं होती है। जो एग्जाम की सिचुएशन है पर डे फेस करके चलेंगे, तो एग्जाम तक आप अपने को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट ऑप्शन से प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, और फिर उनके हैबिट में आ जाता है सभी प्रॉब्लम को ऑप्शन से सॉल्व करना। वो एग्जाम में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो अप्रोच 1% प्रॉब्लम के लिए करेक्ट हो सकता है कि आप ऑप्शन से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पैटर्न ये नहीं है, सर्टिफिकेट आपको इस बात का नहीं मिलता कि आप ऑप्शन से मेथड को आपको करेक्ट करना है, ऑप्शन से आपको मेथड को वेरीफाई करना है, ये इस बात का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सर्टिफिकेट मिलता है आपको कि आप कट ऑफ से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, और वो तभी आ पाएंगे जब आपको करेक्ट मेथड पहले से पता होगा, उस मेथड को अप्लाई करके आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए सम टाइम आप, ऐसा हो सकता है कि आप ऑप्शन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगें, बट सभी प्रॉब्लम को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको मोर नेगेटिव मार्किंग से आपका मार्क्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो सभी लोग एक बल्की नोट्स बनाएंगे इंडिविजुअल टॉपिक का, फिर एक कंबाइंड टॉपिक का ब्रीफ नोट्स बनाएंगे, जिससे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और जब आप अपना नोट्स क्वांटम मैकेनिक्स का नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के कुछ पेज 3 or 4 पेजेस आप ब्लैंक रख दीजिए, उनपे जरूरी एक्सप्रेशंस, जरूरी मैथमेटिकल स्टेप्स नोट करने हैं, जो आगे प्रॉब्लम करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में आपको यूज करने हैं। तो अगर आप उसको टॉपिक के साथ नोट करते जाएंगे, तो आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे नोट किया था, आपको मोर टाइम में फिर वो सर्च हो पाएगा। इजीली सर्च करने के लिए जो स्टार्टिंग के 3 or 4 पेजेस में ब्लैंक रखने के लिए बोल रहा हूँ, जो मोर टाइम कोई एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, वो आप इन पेजेस पे नोट करेंगे, तो जब भी इसका एप्लीकेशन होगा, आप इन पेजेस से 3-4 पेजेस से इजीली सर्च कर पाएंगे, लेस टाइम में सर्च हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 3 or 4 पेजेस आप ब्लैंक रख के आज के लेक्चर से रिलेटेड पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे। सभी को जो एग्जाम का पैटर्न है सभी को लगभग पता है, उसके मार्क्स का कंडीशन भी आप लोगों को सबको पता होगा। अगर आप नेट पेपर का रेफरेंस लें, तो 3 पार्ट में एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड होता है, बी पार्ट और सी पार्ट में आपके टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का कंट्रीब्यूशन अगर आप नेट पेपर के लिए कंपेयर करेंगे, तो ऑन एन एवरेज 4 questions बी और 4 questions सी पार्ट में आते हैं, और बी पार्ट के लिए इंडिविजुअल क्वेश्चन 3.5 मार्क्स के लिए, और सी पार्ट के लिए 5 मार्क्स।
अगर ऑन एन एवरेज मार्क्स का कंडीशन क्वांटम मैकेनिक्स का कंपेयर करेंगे तो मोर देन 34, ये 4-4 क्वेश्चंस कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इनसे लेस क्वेश्चंस अब तक क्वांटम मैकेनिक्स में पूछे गए हों नेट पेपर के। तो इसका जब कंडीशन चेक करेंगे तो 34 प्लस में आपको मार्क्स का कंडीशन बनेगा। तो जब कभी बी पार्ट में भी अगर वन क्वेश्चन इंक्रीज हो गया तो मोर देन 34 मार्क्स का कंडीशन आपको यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। कभी 35 हो सकता है, 38, 40 तक भी कई बार चला जाता है मार्क्स का कंडीशन। तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वांटम मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, और गेट पेपर का अगर आप रेफरेंस लेंगे तो गेट पेपर में भी मोर देन 8 मार्क्स का कंडीशन होता है। तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटम मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, और सम क्वेश्चंस आप डिफरेंट बुक्स के 1 or 2 क्वेश्चंस भी क्वांटम मैकेनिक्स के अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन होगा सॉलिड स्टेट में भी एप्लीकेशन होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में एप्लीकेशन होगा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में एप्लीकेशन होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स को अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो दीज पार्ट से भी सम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आपका मैथमेटिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल स्टेप्स, ये आपके स्ट्रांग होने चाहिए। सम बेसिक आइडिया आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का भी होना चाहिए, तभी आप क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक। देखो सम स्टूडेंट को दीज टॉप जो आज का लेक्चर है वो हो सकता है कि इसमें इंटरेस्ट कम डेवलप हो, क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस स्टार्ट होता है, पीजी लेवल का जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो न्यू क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड होता है, न्यू क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस होता है जो वेव फंक्शन या श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट होता है। बट सम क्वेश्चंस, सम टॉपिक्स ओल्ड क्वांटम थ्योरी पे भी बेस्ड हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे सम टॉपिक में ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के भी डिस्कस करूंगा। तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। बट क्वांटम मैकेनिक्स से पहले जो थियोरी है, पॉपुलर थियोरी है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। जब कोई पर्टिकुलर थियोरी, करंट थियोरी आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती है, तब आपको किसी अनदर मेथड की, अनदर थियोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के लिए रिक्वायरमेंट, आपका जो रीजन है वो इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है। सम फिनोमेना के एक्सप्लेनेशन के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का फेलियर ऑरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को लीड करता है। तो इसी पार्ट में आप इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स lead to the origin of quantum mechanics. तो some phenomena आप classical mechanics के method से आप explain नहीं कर सकते हैं, या उसके successful explain नहीं हो सकता है। तो successful explanation के लिए आपको another theory की requirement होगी, that theory is known as quantum mechanics. Each branch of physics का, each method का condition of applicability होता है, कोई single method all part के लिए applicable नहीं है। जैसे आप Newton's laws पढ़ते थे तो न्यूटन लॉज आप मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं, और मैकेनिक्स में भी ऑल प्रॉब्लम्स के लिए, ऑल सिस्टम्स के लिए, ऑल कंडीशन में आप न्यूटन लॉज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए मोस्टली सिलेबस पढ़ा होगा नॉन रिलेटिविस्टिक पार्ट के लिए, बट जैसे ही आप रिलेटिविस्टिक पार्ट पे जाते हैं तो आप लोगों ने स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा होगा। तो वैसे ही ऑल मेथड का, ऑल टॉपिक का, ऑल थियोरी का कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी है, लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन में आप उसको उसी लिमिट में अप्लाई करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन करेक्ट मिलेगा। थियोरेटिकल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करेंगे। अगर आप वो लिमिटेशन को फॉलो नहीं करते हैं, उसके आउटर पार्ट पे जाते हैं, तब वो थियोरी से आपको रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं मिलेंगे,
करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे और वहाँ पे थियोरटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में डेविएशन होगा, और डेविएशन होगा तो फिर आपको अनदर थियोरी की रिक्वायरमेंट होगी. सो इन एडी केसेस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स लीड टू द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. और क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए सम कंसेप्ट्स आप यहाँ पे यूज करेंगे कि मोमेंटम क्या है, फोर्स का डेफिनेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है. और एक क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इसमें एक पार्ट आता है क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स इज द ग्रुप ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स. क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके सम कंसेप्ट्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हैबिट में है, बट ये रिकॉल करिए जब आप लोगों का सिलेबस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जिस लेवल पे भी आप लोगों ने पढ़ा है वहां पे मोस्टली सिलेबस, नॉट ऑल सिलेबस, मोस्टली सिलेबस नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है. और वहां पे क्लासिकल अप्रोच आप मोस्टली केसेस में यूज करते हैं. तो सम पॉइंट्स, सम कंसेप्ट्स आपके हैबिट में है क्लासिकल मैकेनिक्स के, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में उनको अप्लाई करते हैं तो या तो आपके रिजल्ट्स रॉन्ग आएंगे या आपको डाउट्स क्रिएट होंगे. जो बेसिक पार्ट पे आप मिस्टेक करते हैं उसी से आपके अप्लाइड पार्ट के डाउट आते हैं. अगर आप बेसिक पार्ट के डाउट्स को रिमूव कर लेंगे, उन पार्ट्स को करेक्ट कर लेंगे, तो अप्लाइड पार्ट पे आपको डाउट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे. मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से. जब आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं या वेव पढ़ते हैं तो वेव के लिए कंसेप्ट आता है इंटेंसिटी का. आप लोगों ने ये इंटेंसिटी का कंसेप्ट बिलो 12th लेवल पढ़ा होगा. नोटेशन चाहे जो भी यूज किया हो आपने, आई या आई नॉट, तो इंटेंसिटी का डेफिनेशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सर. एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ फोटॉन्स. देखो अभी कोई स्टूडेंट बोलना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, और कोई बोले, एक ने बताया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक बोल रहे नंबर ऑफ फोटॉन्स, बाकी और रिप्लाई करिए, थोड़ा आइडिया मिले कि आप लोग कितना है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में जानते हैं. कोई और रिप्लाई करेगा इंटेंसिटी के लिए? हो सकता है कि सम स्टूडेंट्स को ये हैबिट में हो, मैं अभी देखो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो करेक्ट हो. प्रेशर इंटेंसिटी को हो सकता है सम स्टूडेंट एम्पलीट्यूड मॉड स्क्वायर पढ़ते हो, इंटेंसिटी को सम स्टूडेंट हो सकता है नंबर ऑफ फोटोन से रिलेट कर रहे हो, और वो हैबिट में है. और ये जब एप्लीकेबल नहीं होंगे तभी आपको डाउट क्रिएट होंगे. अभी एक स्टूडेंट ने बताया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए करता है. इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड स्क्वायर, इस स्टेप तक भी सम पार्ट करेक्ट है, बट सम स्टूडेंट इंटेंसिटी को एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड मॉड स्क्वायर लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा. ये डेफिनेशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑलवेज करेक्ट है, चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स हो चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो. एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये ऑलवेज करेक्ट है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है. आप रिकॉल करिए जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो एस सच आप क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जाते. मोस्टली बुक पे जाइए, आप क्लासिकल मैकेनिक्स के मोस्टली बुक में साथ में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखा होगा. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सम सिलेबस जरूर इंक्लूड किया होगा मोस्टली क्लासिकल मैकेनिक्स के बुक्स में. तो जब आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फोटोन का कंसेप्ट आता है. क्लासिकल मैकेनिक्स सिंगल नेचर है, क्वांटम मैकेनिक्स में ड्यूअलिटी आता है. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल हैज ओनली पार्टिकल नेचर, मैटर हैज ओनली पार्टिकल नेचर,
and wave has wave nature. There is only single character in classical mechanics, but in quantum mechanics, matter can behave like a matter or wave. Matter can behave like a particle or wave, or wave can behave like particles. तो वहाँ पे ड्यूअलिटी है क्वांटम मैकेनिक्स में. समटाइम वेव का पार्टिकल नेचर आएगा, समटाइम पार्टिकल का वेव नेचर आएगा. बट क्लासिकल मैकेनिक्स में ओनली सिंगल करेक्टर है. बट जब आप चेक करिए, जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फोटोन का कंसेप्ट आता है. तो फोटोन के लिए आप लोगों ने एनर्जी पढ़ा है एच न्यू, या इसी को आपने मास टू सी स्क्वायर पढ़ा होगा आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन से. तो इसी के इक्विवेलेंट जब आप फोटोन का मास फाइंड करेंगे, मोमेंटम फाइंड करेंगे, फोटोन की एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं. वेवलेंथ दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा, तो उसको आप एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं. तो दीज ऑल रिलेशंस आप कंपेयर करिए, पार्टिकल प्रॉपर्टीज, एनर्जी और मोमेंटम, ये पार्टिकल के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है. वेव के लिए आपको प्रोपेगेशन वेक्टर चाहिए, जिसको आप 2 पाई बाई लैम्डा पढ़ते हैं. प्रोपेगेशन वेक्टर, एम्पलीट्यूड चाहिए. तो आप जब स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में फोटोन का कंसेप्ट आता है. रेडिएशन की एनर्जी को फोटोन के टर्म्स में आप पढ़ते हैं. तो फोटोन वेव नेचर नहीं है, फोटोन पार्टिकल नेचर है. और क्लासिकल मैकेनिक्स में आप सिंगल नेचर पढ़ते हैं. जब फोटोन पढ़ रहे हैं तो वहां पे फिर से वेव का एनर्जी फोटोन से आप रिलेट कर रहे हैं. एनर्जी ऑफ रेडिएशन को आप लोगों ने एन एच न्यू पढ़ा होगा वहां पे. तो फोटोन एच न्यू, फोटोन एनर्जी क्वांटा को आप फोटोन वर्ड यूज करते हैं. तो फोटोन क्लासिकली वैलिड नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन क्लासिकली नहीं है, वो क्वांटम मैकेनिकली है. तो जब आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्लासिकली करेक्ट नहीं है, वो क्वांटम मैकेनिकली करेक्ट है. तो ये भी आपको डेफिनेशन को कंफर्म करना है कि कहां पे आप अप्लाई करेंगे. नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटोन जैसे ही आया वहां पे एनर्जी क्वांटाइजेशन हो जाएगा, और क्वांटाइजेशन आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं पढ़ते. तो ये डेफिनेशन एक पर्टिकुलर कंडीशन में करेक्ट है, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे. बट ये डेफिनेशन एम्पलीट्यूड मॉड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये आप अप्लाई करते हैं कंपेरिजन के लिए, बट ये टर्म एग्जैक्ट नहीं है. एग्जैक्ट इक्वल इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मॉड स्क्वायर, ये करेक्ट नहीं है एक्सप्रेशन. प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर तो करेक्ट है क्लासिकली, बट ये एग्जैक्टली मॉड स्क्वायर लिख रहे हैं, ये रॉन्ग है. ये आप कंपेयर भी कर सकते हैं. जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा होगा, जिसमें आप डेफिनेशन पढ़ते हैं ई क्रॉस एच. ये बेसिक पार्ट में इसलिए एंड कर रहा हूं कि आगे आपको डाउट ना हो. तो पॉइंटिंग वैक्टर आप लोगों ने ई क्रॉस एच पढ़ा है, और पॉइंटिंग वैक्टर को आप इंटेंसिटी पढ़ते हैं. एवरेज पॉइंटिंग वैक्टर, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पे जाएं पॉइंटिंग वेक्टर के, तो दिस टर्म रिप्रेजेंट, जब इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, तो दिस टर्म रिप्रेजेंट फ्लक्स, और फ्लक्स मींस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. और ये रिजल्ट को अगर आप चेक करें, तो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा एवरेज पॉइंटिंग फ्लक्स. तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ये टर्म आता होगा. तो आप चेक करिए, एम्पलीट्यूड मॉड स्क्वायर तो बना, बट ये टर्म ये वन बाई हो सकता है, ये फैक्टर को कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, तो ये टर्म को कंपेयर करिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में वन बाई सी स्क्वायर पढ़ते हैं आप लोग. तो ये एम्पलीट्यूड के साथ कुछ टर्म्स भी आ रहे हैं, जो कुछ टर्म्स आ रहे हैं तो वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है. तो ये डेफिनेशन ना क्लासिकली करेक्ट है, ना क्वांटम मैकेनिकली. ये क्लासिकली करेक्ट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ कॉन्स्टेंट जब आप इंक्लूड कर लेंगे. तो इंटेंसिटी को पॉइंटिंग वेक्टर से भी आप रिलेट करते हैं. जब पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेट करेंगे, तो पॉइंटिंग वेक्टर का फिजिकल मीनिंग अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप उसको एनर्जी फ्लक्स पढ़ते थे, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो ये डेफिनेशन
क्वांटम मैकेनिकली भी करेक्ट है और क्लासिकली भी करेक्ट है, बट ये डेफिनेशन ओनली क्वांटम मैकेनिकली करेक्ट है, ये क्लासिकली करेक्ट है, ये रॉन्ग है। इंटेंसिटी को एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड मॉड स्क्वायर लिखेंगे तो ये रॉन्ग है। पॉइंटिंग वेक्टर के टर्म्स में क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप इंटेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो ये बेसिक डेफिनेशंस आपको कहीं आगे रिक्वायर्ड होंगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेडिएशन के रिगार्डिंग एनर्जी फाइंड करना है तो अगर आपको इंटेंसिटी बताओ, अगर आपको इंटेंसिटी पता है तो इंटेंसिटी में किस एरिया, सरफेस एरिया पे आपने उसको इंसिडेंट किया है वो एरिया आपको पता होगा, कितने टाइम तक आप उसको इंसिडेंट कर रहे हैं, आप इंसिडेंट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली अगर इंटेंसिटी का आइडिया है तो इस पार्ट से आप एनर्जी का आइडिया ले सकते हैं। कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहा है, प्राची पाठक, अपने को थोड़ा अनम्यूट करिए। प्राची पाठक मैसेज किया है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्राची पाठक? ये मैसेज किए हैं कि मैं अपने को इंट्रोड्यूस करूं, तो मुझे इंट्रोड्यूस करना है, आप बताइए। मैं जब भी लेक्चर लेता हूं, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं, मैं इंट्रोडक्शन नहीं देता हूं अपना। कुछ शायद हो सकता है मेरे बारे में आप लोग जानते हो, बाकी जितना जानते हो उतना सफिशियंट है। नहीं जानते। देखो मैं 2007 से यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स टीच कर रहा हूँ इस कोचिंग में, ठीक है, तो इससे ज्यादा शायद इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। yes, देखो जरूरत पड़ने पे ही आप चैट में मैसेज करिए। कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्लास नोट्स मिल जाएगा क्या सर? देखो ये आप ऑफिस से मालूम करिए, आप बार बार चैट में अननेसेसरी के मैसेज डालेंगे तो उससे डिस्टरबेंस होता है, हो सकता है कि मैं इग्नोर करने लगा तो कोई आपको किसी को कोई जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो छूट सकता है आप लोगों की तरफ से या मेरी तरफ से, हो सकता है मेरी वॉइस क्लियर ना जा रही हो, ठीक है, आप वहाँ पे मैसेज करेंगे तो अगर मैं इग्नोर करने लगा तो हो सकता है कि उस टाइम पे फिर आप लोगों का कोई डिफिकल्टी फेस हो जाए। तो क्लास नोट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैनेजमेंट वाले बताएंगे, मेरा काम लेक्चर डिलीवर करने का है, अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताइए, आगे ये सब ध्यान रखेंगे। हेलो सर, आगे से ये सब ध्यान रखेंगे, कोई जरूरत का मैसेज चैट में करिए आप लोग, ठीक है। क्लास नोट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्लास का टाइमिंग क्या है या क्या पार्ट है वो आप मैनेजमेंट से बात करेंगे, क्लियर है? हेलो सर, हाँ जी, थोड़ा सा सर बड़ा बड़ा लिख दीजिए सर, छोटा मोबाइल में सर क्लियर नहीं आ रहा सर। भाई मैं तो काफी बड़ा लिख रहा हूँ, इतना रीडेबल होता है, अब ज्यादा बड़ा लिखूंगा तो मैं शायद एक पेज पे 5 या 10 बार ही लिख पाऊंगा। यस सर, मैं कोशिश करूंगा, बाकी काफी बड़ा है, आप इसको थोड़ा जूम करके देख लीजिए। अच्छा कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है, आप लोगों की तरफ क्लियर है आवाज? क्लियर है सर। हो सकता है इंडिविजुअल का डाउट रहा होगा, वो इंडिविजुअल की तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है, मैं कंटिन्यू करूं। ये सब प्रॉब्लम जो है, जो जरूरत का है वो मैं आप सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर, ठीक है। यस सर, तो मैं डेफिनेशन डिस्कस कर रहा था कि जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो क्लियर होंगी तो हो सकता है आप लोगों को आगे डाउट ना रहे, अगर वो बेसिक डेफिनेशन पे ही आपको कहीं डाउट रहेगा तो उनका एप्लीकेशन जितने भी होंगे आगे डाउट इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो मैंने इंटेंसिटी को आपको यहाँ पर डिफाइन किया है, कब क्या करेक्ट डेफिनेशन है, कब आपको एनर्जी पर टाइम यूज करना है, वो क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली
बोथ वे में आप यूज कर सकते हैं, बट जब फोटोन का कंसेप्ट आएगा तो उसको क्वांटम मैकेनिकल डेफिनेशन यूज करेंगे, वो क्लासिकल डेफिनेशन नहीं है। क्लासिकल डेफिनेशन आप पॉइंटिंग वेक्टर के टर्म्स में एम्पलीट्यूड से रिलेट करेंगे, बट वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड मॉड स्क्वायर है। तो इन एडिकेसी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको सम फिनोमेना पे क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करना है और कंपेयर करेंगे कि वो करेक्टली एक्सप्लेन होता है या नहीं एक्सप्लेन होता है, फिर उसके क्वांटम पार्ट पे जाएंगे। तो इसी टॉपिक में एक कंसेप्ट और आप लोग पढ़ेंगे, जब फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स होगा, इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स होगा, तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए जो सिंगल कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे, दैट मीन्स पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इसी टॉपिक में आपको ऑटोमेटिकली पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन का भी आइडिया मिलेगा, वो आगे जब क्वांटम मैकेनिकली कोई फिनोमेना एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो वेरियस फिनोमेना है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, पीयर प्रोडक्शन, पीयर एनिहिलेशन, एटॉमिक स्टेबिलिटी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जीमन इफेक्ट, देखो दीज सम फिनोमेना मैंने नोट कर दिया है, और भी वेरियस फिनोमेना है जो क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं होंगे। एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है जो स्टार्टिंग में मुझे नोट करना चाहिए था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मोस्टली बुक में जब आप ये ऑरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट होता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नोट नहीं किया क्योंकि मैं जो फिनोमेना यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो फर्स्ट फिनोमेना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में डिस्कस करता हूँ, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको, ये डिस्कस होगा थर्मोडायनेमिक्स और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिकली मैं स्टार्ट करता हूँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। वेरियस फिनोमेना लाइक दीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सर। कितनी फिनोमेना है जो क्लासिकल है? डिफरेंट मोर फिनोमेना है, क्वांटम मैकेनिक्स में जितने टॉपिक पढ़ेंगे वो क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। एग्जैक्ट नंबर ऐसा नहीं कि 300 400 ये नंबर आपको बता दिया जाए। तो जब दीज फिनोमेना क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं होंगे तो आपको किसी अनदर थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी, और दैट थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स का एक सिंगल कंसेप्ट आप यूज करेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। और जो फिनोमेना मैंने आपको यहाँ पे नोट किए हैं, दीज ऑल फिनोमेना में आप ओल्ड क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट यूज करते हैं, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, एटॉमिक स्टेबिलिटी। फिर जब आप आगे पार्टिकल का, मैटर का वेव नेचर लेते हैं तब आपको न्यू क्वांटम थ्योरी स्टार्ट होता है। तो
टोटल क्वांटम मैकेनिक्स को टू पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट से पहले का जो भी मेथड है क्वांटम मैकेनिक्स में, वेव नेचर ऑफ मैटर के से पहले जो भी सिलेबस है वो ओल्ड क्वांटम थ्योरी है, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है। जैसे ही डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वहां पे वेव नेचर का कॉन्सेप्ट आता है, वेव के रिगार्डिंग वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये ऑल पार्ट उसके आगे का ऑल पार्ट वो न्यू क्वांटम थ्योरी है। तो अभी यहाँ पे जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, ये ओल्ड क्वांटम थ्योरी का पार्ट है। जब आप आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, जीमन इफेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, बट हो सकता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ पार्ट हैं, जो वेव पार्ट वेव नेचर पार्ट से आप फाइंड करेंगे, वो वहां पे सिर्फ उसके डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको ये फेस ना हो। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी और जीमन इफेक्ट पार्ट में आप न्यू क्वांटम मैकेनिक्स भी अप्लाई करेंगे। हाँ जी सर, इज देयर एनी फिनोमेना व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्वांटम मैकेनिक्स, व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्वांटम मैकेनिक्स? आई मीन जब आप देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में कंडीशन है कि आप माइक्रो लेवल पे अप्लाई करते हैं, इसमें भी फिर आप नॉन रिलेटिव से क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिव से क्वांटम मैकेनिक्स टू पार्ट पे जाते हैं। अब जो थियोरी है, जितने भी मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट हैं, जो रिसेंट थियोरीज हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है। अब कोई फिनोमेना क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स से एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, जितने भी मैक्रोस्कोपिक पार्ट पे जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्ट पे क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं है। माइक्रो लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल है। अब और भी अगर लोअर लेवल पे जाएंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स के स्टेप्स तो मैथमेटिक्स तो फॉलो कर रहे हैं, वहां पे थ्योरी तो वही है, बट उसके रिजल्ट में कुछ और मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जैसे आप नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो नैनो लेवल पे जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने पार्टिकल बॉक्स पढ़ा होगा, पार्टिकल बॉक्स के जो एग्जैक्ट रिजल्ट हैं वो नैनो पार्टिकल्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे कुछ मॉडिफाइड रिजल्ट्स मिलेंगे, वो एग्जैक्टली सेम मैच नहीं करता है। तो अभी तो यहाँ पे हम थ्योरी पार्ट पे जा रहे हैं, तो थ्योरी पार्ट से फिर आप कोई एक्सपेरिमेंटल पार्ट पे जाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थ्योरी से मैच करेंगे तब कोई थ्योरी फुलफिल होता है, सक्सेसफुल होता है। तो अभी जो आप क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि कोई ऐसा फिनोमेना है, तो माइक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल से लोअर लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स, कोई भी थ्योरी 100% करेक्ट नहीं है। वहां पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, मोस्टली इंफॉर्मेशन क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन हो जाएगा, नॉट 100%। अगर कोई भी फिनोमेना 100% एक्सप्लेन हो जाए, 100% इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आगे का रिसर्च ही बंद हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग न्यू रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे। तो कोई भी थ्योरी से आप जब सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो 100% एक्सप्लेन नहीं होगा, उसका मोर पार्ट जो करंट में आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसका मोर पार्ट आपको एक पर्टिकुलर थ्योरी से एक्सप्लेन होगा, तो उस पार्ट के लिए वो सक्सेसफुल थ्योरी माना जाएगा। जैसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए मैक्रो लेवल पे आप अब से पहले क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते आ रहे थे, बट मैक्रो लेवल पे भी कुछ पार्ट जब अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको मिक्स केस मिल जाए, वहां पे मिक्स रिजल्ट मिल जाए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि आप अप्लाई तो कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट, वहां पे आपने फोटोन का जैसे ही कंसेप्ट लिया वो तो सेमी क्लासिकल पार्ट है, फोटोन तो क्वांटम मैकेनिकली है। तो कोई भी थ्योरी 100% करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है, 100% सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। उसमें वो जितनी पॉपुलर थ्योरीज हैं उनमें कौन मोर एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, मोर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसके लिए वो एप्लीकेबल माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो सम फिनोमेना मैंने आपको यहाँ पे नोट किया है, दीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स, तो आप इसके लिए न्यू थ्योरी अप्लाई करेंगे, और न्यू थ्योरी में क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन आपको यूज करना है। तो फर्स्ट फिनोमेना यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इसको अप्लाई करते हैं। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग आपको सम रिजल्ट्स का आइडिया होना चाहिए, तभी आप थ्योरीज को कंपेयर कर सकते हैं। देखो इस पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का भी कुछ हिंट करूंगा और क्वांटम मैकेनिक्स का भी, जिससे बोथ पार्ट में आपको डिफरेंसेस पता चल जाएं कि कैसे वो क्लासिकल मैकेनिक्स से
सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं होता है और क्वांटम मैकेनिक्स से कैसे वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन होगा। तो पहले आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन नोन होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो किस फिनोमिना को आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, पहले उसके लिए आप स्टेटमेंट नोट कर दें। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन The ejection of electrons from surface of the matter irradiated by electromagnetic radiation. is called photoelectric effect. The ejected electrons are known as photoelectrons. देखो किसी अनदर फिनोमेना में भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो फिनोमेना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हो। अगर आप इसको रिकॉल करें तो अगर किसी मटेरियल को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं। तो उसको आपने एक वर्ड सुना होगा, थर्मोआयनिक इमिशन। ठीक है, ऐसे ही आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिवाइस पढ़ते हैं, वहां पे आपने फील्ड इमिशन पढ़ा होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्ट्रेंथ का अप्लाई कर दें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड गेन कर लें और मेटीरियल से आउटर में मिल जाए। ठीक है, बट यहाँ पे जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट कॉल्ड photoelectric effect. Ejection of electrons with the help of radiation, electromagnetic radiation is called photoelectric effect. तो ये भी आपको check करना है कि always अगर ejection of electron है तो जरूरी नहीं कि photoelectric effect हो. Ejection of electrons from the surface of matter irradiated by electromagnetic radiation is called photoelectric effect. अब experimental observations regarding photoelectric effect. फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन उसके लिए नोटेशन मैंने न्यू यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने न्यू जीरो लिख दिया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is characteristic frequency or particular frequency for a known material. ये individual material के लिए एक particular known value होगा threshold frequency का, जो आगे concept आएगा work function से। और जब आप particle nature पढ़ेंगे तो energy को frequency equivalent बनाएंगे तो आपको idea मिलेगा कि ये particular matter के लिए particular value आएगा, different material के लिए इसकी value different आएगी। तो if frequency of incident radiation is less than threshold frequency, there is no ejection of electron, whatever the intensity of incident radiation.
और वो इंटेंसिटी मैंने आई नोट कर दिया यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मैंने नोट कर दिया। अब ये नोटेशन आपको पता चल गए कि न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, आई क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, इफ न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू जीरो, तो स्टेटमेंट यहां तक आपको कंप्लीट हो गया, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देयर इज ऑलवेज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Whatever the intensity of incident radiation, whatever the intensity of incident radiation. तो फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ पे नोट हो गए, जिसमें आपको ये कंफर्म हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट किस कंडीशन में होंगे, और वो कंडीशन फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, इंटेंसिटी बेस्ड नहीं है, एक्सपेरिमेंटली वो कंफर्म है। थर्ड, इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, द काइनेटिक एनर्जी of ejected electrons depends on frequency of incident radiation but independent of intensity of incident radiation. There is no detectable time difference or time lag between ejection of electron and incident radiation. Detectable time difference nahi hai. Time difference ho sakta hai, but that time difference very small hoga. Next experimental observation. The photocurrent depends on intensity of incident radiation. ये some experimental observations है regarding photoelectric effect. अब ये जिस theory से explain हो जाएगा वो theory successful होगा इसको explain करने के लिए, वो थ्योरी करेक्ट होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने 5 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, पहले इसको क्लासिकली चेक करते हैं। और क्लासिकली जब आप चेक करेंगे तो कोई स्पेसिमेन आपने कंसीडर किया किसी नोन मटेरियल का, तो नोन मटेरियल के लिए सम नोन रिजल्ट्स आपको कंफर्म रहेंगे। तो जब क्लासिकली रेडिएशन यहां पे इंसिडेंट कराएंगे, थोड़ा रिकॉल करिए, जब आप लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ऑप्टिक्स में टू पार्ट में कैटेगराइज करते हैं ऑप्टिक्स को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स।
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपने लाइट वेव को रे रिप्रेजेंट किया होगा, फिजिकल ऑप्टिक्स में आपने वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। तो क्लासिकली जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले रहे हैं तो यहाँ पे आप उसमें रे इंसिडेंट करें, एक तरह से रीजन भी आपको आगे कंफर्म हो जाएगा जब क्वांटम मैकेनिक्स आगे सिलेबस बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए। मैं फिजिकल ऑप्टिक्स से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि फिजिकल ऑप्टिक्स में आप लोगों ने कंडीशन डिफरेंस के लिए पढ़ी होगी कि कब आप फिजिकल ऑप्टिक्स यूज करेंगे, कब आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज करेंगे। जब साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ नेग्लिजिबल है तब आप उसको रे कंसीडर करता है, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कंडीशन है। और जब कंपेरेबल होगा, जब लैम्डा वेरी वेरी लेस देन साइज होगा तब आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज करते हैं, और जब लैम्डा कंपेरेबल टू साइज है तब आप वहां पे फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ता है जिसमें आप डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन पढ़ता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपने रे का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पढ़ा होगा, आप लोगों ने इमेज फॉर्म किया होगा लेंस से, मिरर से, ठीक है, वो आई पीस आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए आप लोग वहां पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो सेम मीनिंग यहाँ पे कि मैंने रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रे से रिप्रेजेंट कर दिया। सर, हाँ जी सर, वी कंपेयर द वेवलेंथ विद द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ जी, अब जिस जैसे आपको कोई मिरर से इमेज चेक करना है तो मिरर पे आप रेडिएशन ही तो इंसिडेंट करता है, बट जब रेडिएशन इंसिडेंट किए होंगे तो आप लोगों ने लाइक दिस रे को इंसिडेंट किया होगा, वहां पे ऐसे आप लोगों ने शो किया होगा कि इससे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये रे ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। जबकि आप चाहे इंटरफेरेंस पढ़ें, पोलराइजेशन पढ़ें, डिफ्रेक्शन पढ़ें, या आप लाइक दिस आप मिरर से इमेज फॉर्म कर रहे हो, आप लाइट इंसिडेंट करते हैं या रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, बट जब आपको उसको बुक में पिक्चर बना होगा तो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर पढ़े होंगे, सम टाइम आपने लाइक दिस इंसिडेंट किया होगा, सम टाइम आपने लाइक दिस बिहेवियर शो किया होगा। तो यहाँ पे वेव वेवलेंथ कंपेरेबल है, यहाँ पे वेरी स्मॉल है। क्लियर हुआ? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट किया किसी पर्टिकुलर मटेरियल सरफेस पे, अब आपको ये क्लासिकली चेक करना है कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो यहाँ पे फुलफिल होंगी या नहीं होंगी, सक्सेसफुली एक्सप्लेन होंगी क्लासिकली या नहीं। अब आप यहाँ पे कंपेयर करिए, जब रेडिएशन इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन खुद से इजेक्ट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल सरफेस के इनसाइड में बाउंड है, इस मटेरियल सरफेस के इनसाइड में बाउंड है, और जब बाउंड है तो जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंड है उतना एनर्जी जब तक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस के आउटर में कभी ऑब्जर्व नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन आउटर में एक ही कंडीशन में ऑब्जर्व होगा, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंड है इतना एनर्जी किसी हेल्प से उसको प्रोवाइड हो जाए, किसी से उसको प्रोवाइड हो जाए। जब आप थर्मली उसको प्रोवाइड करते हैं तो थर्मोनिक इमिशन होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके करते हैं तब वो फील्ड इमिशन होता है, और यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट करके करेंगे तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में चला जाएगा। तो आप लोगों ने जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए डायग्राम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो रेडिएशन इंसिडेंट किया किसी पर्टिकुलर मटेरियल सरफेस पे। अब इस रेडिएशन का जो इस सरफेस पे इंटेंसिटी है, देखो रेडिएशन की जब आप बात करेंगे तो इंटेंसिटी टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंसिटी वहां पे इंक्लूड होगा। एक तो जिस सोर्स से आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया है तो इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन वर्ड आएगा, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स आएगा, और एक इंटेंसिटी इंसिडेंट सरफेस के लिए आएगा कि आप उस सरफेस पे क्या एनर्जी यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में इंसिडेंट कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे नोट किया था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लिखा है ये पार्ट, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स नहीं है। जिस सरफेस पे आपको फोटो जिस मटेरियल का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करना है उस मटेरियल के सरफेस पे क्या इंटेंसिटी है उस पॉइंट को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है।
सोर्स का इंटेंसिटी और इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो आप आई ले रहे हैं, तो एनर्जी पर इंटेरिया पर टाइम आपको इंटेंसिटी से आइडिया मिल गया। अब जो रेडिएशन है, रेडिएशन को अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप प्लेन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। इक्वल्स ई जीरो एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आप लोगों ने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये फॉर्म यूज किया होगा, मैक्सवेल वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए यूज किया होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्लासिकली कंसीडर करना है। अब जैसे ही इस मटेरियल सरफेस पे आप रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे, ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे जब तक रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन को सफिशियंट एनर्जी सरफेस के आउटर में इजेक्ट होने के लिए सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो जाएगा, तब तक ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एनर्जी एक्सचेंज कंटिन्यूसली पॉसिबल होगा। कंटिन्यूसली ये एक्सचेंज होता रहेगा एनर्जी। अब ये इंटेंसिटी का आपको आइडिया है, यहाँ पे आप लोगों ने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा। एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है और एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल पे जब आप रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा होगा, एफ इक्वल्स क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस रेडिएशन के रिगार्डिंग एनर्जी प्रोवाइड होगा जो आपको पॉइंटिंग वेक्टर के टर्म्स में बताया हुआ है, E क्रॉस H बताया था आपको। अब किसी पर्टिकुलर रेडिएशन में कितना एवरेज एनर्जी है उसका एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करके आप इंटेंसिटी से उसको रिलेट कर लेंगे। सपोज आप लोगों ने एक पर्टिकुलर, यहाँ पे एक नोन एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये नोटेशन पहले आप मीनिंग बताया हुआ है, ये इंटेंसिटी सपोज आप ले रहे हैं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये मैंने I1 ले लिया फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए, और सेकेंड एग्जाम्पल के लिए मैंने I2 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आपने स्पेसिमेन का एरिया लिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, सेम स्पेसिमेन ले रहे हैं टू डिफरेंट एग्जांपल में, अब आपको जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है जो एक वर्क फंक्शन का कंसेप्ट आता है, वर्क फंक्शंस किसी पर्टिकुलर नोन मटेरियल के लिए सपोज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वर्क फंक्शन मींस द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मटेरियल, जो आगे अभी डेफिनेशन बताएंगे जब पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन डिस्कस करेंगे, बट अभी वर्क फंक्शन का मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंड है, अनबाउंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करना है। अब आप यहाँ पे चेक करिए, एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाने के लिए या 6 से हायर करने के लिए एटलीस्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो कितने टाइम तक आप यहाँ पे इसको इंसिडेंट कराएं, अगर आपने टी को 10 सेकेंड ले लिया तो एनर्जी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, तो 5 × 10⁻¹⁰ 10 सेकेंड के लिए अप्लाई किया, एरिया को आप 1 ले रहे हैं, 10 सेकेंड तक ये एनर्जी बना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी एग्जांपल में अगर टाइम को आप ले लेते हैं
20 सेकंड, तो ये एनर्जी आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर 10 सेकंड तक आपने इंसिडेंट किया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए, बट अगर जैसे ही आप कंटिन्यूसली इसको इंसिडेंट करते जा रहे हैं तो आप कंपेयर करिए, ये 12 सेकंड पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो अगर एग्जैक्टली 12 सेकंड तक इंसिडेंट किया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा जीरो काइनेटिक एनर्जी से, बट जैसे ही आप यहाँ पे उसको 20 सेकंड तक अगर इंसिडेंट कर लेंगे तो रिमेनिंग एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, जो जितना वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट एनर्जी है और एनर्जी उसने कितना एब्जॉर्ब किया है वो के डिफरेंस के इक्विवेलेंट वहां पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इस केस में काइनेटिक एनर्जी E-5 करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन अगर 20 सेकंड तक इस रेडिएशन I1 इंटेंसिटी का रेडिएशन आप 20 सेकंड तक इंसिडेंट करेंगे सरफेस पे तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, बट अगर आप ये सेकंड इंटेंसिटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं और आपने 10 सेकंड तक ये इंसिडेंट किया है तो आप चेक करें एनर्जी, जब ये इंटेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे एरिया 1 और 10 सेकंड तो ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो आप चेक करिए यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी चेक करें तो काइनेटिक एनर्जी 44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। और इन्हीं एग्जांपल्स में अगर आप ये I1 एग्जांपल ले रहे हैं और T को आपने 10 सेकंड तक इंसिडेंट किया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए। इसी में अगर आपने 12 सेकंड तक इंसिडेंट किया था तो यहाँ पे एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था। तो आप चेक करिए टाइम का रोल यहाँ पे आ रहा है, इंटेंसिटी का भी रोल आ रहा है। अगर आपने सेम टाइम तक 10 सेकंड के लिए I1 इंटेंसिटी का रेडिएशन इंसिडेंट किया और 10 सेकंड तक ही I2 इंटेंसिटी का रेडिएशन इंसिडेंट किया तो I1 के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं हुआ, बट I2 के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और उनका काइनेटिक एनर्जी 44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब आप यहाँ पे एक ही इंटेंसिटी के लिए कंपेयर करिए, 10 सेकंड पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं हुआ, 12 पे और मोर देन 12 सेकंड पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की कोई कंडीशन नहीं है। जब क्लासिकली ट्रीट करा रहे हैं तो फोटोन का कंसेप्ट नहीं है, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी जो आप एनर्जी से रिलेट करते थे उसका कोई रिलेशन नहीं है। एनर्जी का रिलेशन इंटेंसिटी से है, इंटेंसिटी से है तो इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी पे कोई कंडीशन नहीं आया। तो अगर आप रेडिएशन को क्लासिकली ट्रीट कर रहे हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, देर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी पे कोई कंडीशन नहीं। थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। तो आप चेक करिए, मैंने इंटेंसिटी डिपेंडेंट बता दिया, I1 से I2 पे जा रहे हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 10 सेकंड के लिए जीरो है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, I2 काइनेटिक एनर्जी 44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अगर आप इसी को 20 सेकंड के लिए कंपेयर करते तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रहा है, यहाँ पे आपको और भी हायर एनर्जी बन जाएगा, यहाँ पे 94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगा। तो थर्ड जो पॉइंट आपको नोट कराया कि इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, तो क्लासिकली इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी डिपेंडेंट आ रहा है, इंटेंसिटी I1 से I2 पे जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट आ रही है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट कराया, देर इज नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस, वो भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे टाइम डिफरेंस है, यहाँ पे 12 सेकेंड लेटर फोटोन रेडिएशन इंसिडेंट करने के 12 सेकंड लेटर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होंगे, इंस्टेंटली इजेक्ट नहीं हो रहे हैं, देर इज सम डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक्स प्लेस आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 1 डेज, आफ्टर 10 आवर्स। तो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था फोर्थ, वो भी फुलफिल नहीं हुआ। तो ये 4 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी कंटिन्यूसली एक्सचेंज होगा,
वहां पे फ्रिक्वेंसी, फोटोन का कोई कंसेप्ट नहीं है, जब फोटोन का कंसेप्ट नहीं है तो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है, और फ्रिक्वेंसी एनर्जी का रिलेशन नहीं तो फ्रिक्वेंसी पे कोई कंडीशन नहीं आएगा, फ्रिक्वेंसी पे कोई कंडीशन नहीं होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी डिपेंडेंट आएगा, और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में हो सकता है कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 आवर, 24 आवर्स, 10 डेज का डिफरेंस हो जाए जो डिटेक्टेबल है। 1 सेकंड भी डिटेक्टेबल है, 1 आवर भी डिटेक्टेबल है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्लासिकली फुलफिल नहीं हो रहे हैं। जब क्लासिकली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और थियोरटिकल रिजल्ट्स मैच नहीं करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेसफुली इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। इट मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, वी नीड अनदर थियोरी। तो टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वी कंसिडर क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिकली आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन यूज करना है, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन यूज करना है। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, जो आप रेडिएशन की एनर्जी को क्लासिकली कंटिन्यूस एज्यूम कर रहे थे, अब की बार वो कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लासिकली भी तो पार्टिकल इजेक्ट तो हो ही रहा है ना, अगर हम उससे ज्यादा इंटेंसिटी के रेडिएशन दे रहे हैं तो। फिर से बोलिए। क्लासिकली भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो ही रहा है ना, अगर हम उसे इंटेंसिटी ज्यादा दे रहे हैं। बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस तो मैच नहीं किया ना सर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक्सप्लेन हो ही गया ना कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, तो क्लासिकली भी एक्सप्लेन हो ही गया। आप ये देखो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, मैंने डेफिनेशन भी बताया है और उसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस बताए हैं, इट मींस वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट पे जाइए, देयर इज नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस। यस सर। तो ये क्या, ये कहां एक्सप्लेन हुआ? ओनली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन थोड़ी है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ साथ ये रिजल्ट भी मैच करने चाहिए। अब क्वांटम मैकेनिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन यूज करेंगे क्वांटम मैकेनिकली। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, द रेडिएशन कंप्राइजेस ऑफ पार्टिकल्स। रेडिएशन कंप्राइजेस ऑफ पार्टिकल्स, और द एनर्जी ऑफ रेडिएशन can be written in terms of energy of the particle. तो आप लोगों ने प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्मूला पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, ई इक्वल्स एन एच न्यू, n may be integer and h nu is energy of photon, quanta of energy or energy quanta. So this term h nu is the energy of photon, or photon particle hai. फोटोन के लिए जब आप मास कैलकुलेट करेंगे तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर मास आता है, ई बाई सी मोमेंटम आता है, ये सब पार्टिकल की कंडीशंस हैं। जब आप फोटोन के लिए मोमेंटम चेक करेंगे तो एच न्यू बाई सी बनेगा। तो फोटोन के लिए मोमेंटम है, मास है रिलेटिविस्टिक मास, फोटोन रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर रेस्ट मास और फोटोन पढ़ेंगे तो जीरो आता है, तो रेस्ट पे फोटोन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मोशन में फोटोन एडजस्ट करेगा, पार्टिकल नेचर आएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, राइट साइड में एच न्यू पार्टिकल की एनर्जी है, लेफ्ट साइड में एनर्जी रेडिएशन का है। तो रेडिएशन की एनर्जी को पार्टिकल के टर्म्स में आप नोट कर रहे हैं, तो दिस एक्सप्रेशन प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन
प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने पहले पढ़ा है, ये पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन बताता है. तो अगर ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो आप क्वांटम मैकेनिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो जो पहले आप क्लासिकली एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन पे रे इंसिडेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन मीन्स इंसिडेंट ऑफ फोटोन ऑन ए पर्टिकुलर सरफेस ऑन ए पर्टिकुलर स्पेसिमेन. तो क्वांटम मैकेनिकली जो पिक्चर आप रे के टर्म्स में पहले ड्रॉ किए हैं, अब की बार आपको फोटोन इंसिडेंट करना है. तो फोटोन के लिए ये सिंबल आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो ये क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर है. तो अब यहाँ पे देखो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कई बार कन्वर्जन रेट डिफरेंट हो सकता है. 100% कन्वर्जन रेट जरूरी नहीं है. इट मीन्स अगर आप 10 फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि 10 इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट हो. कन्वर्जन रेट 100% से लेस हो सकता है कि ओनली 50% फोटो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 70% बन रहे हैं. बट इस आर्टिकल को थियोरटिकली ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं 100% कन्वर्जन रेट ले रहा हूँ. इट मीन्स 1 फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, या तो इजेक्ट नहीं होगा या 1 इलेक्ट्रॉन स्योरली इजेक्ट हो जाएगा. वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंडीशन बनेगा जो आगे अभी कंपेयर करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन जो आप यहाँ पे एच न्यू एनर्जी ले रहे हैं, ईच फोटोन का एनर्जी एच न्यू है. ये फोटोन का एनर्जी जैसे ही आप यहाँ पे मैटर पे इंसिडेंट करेंगे, फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन मीन्स इंसिडेंस ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो इंटेंसिटी से आपको रिलेट हो जाएगा. जो पहले डेफिनेशन आप पढ़ रहे थे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अब की बार वो बनेगा इंटेंसिटी. जब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने यूज किया था, तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं एनर्जी को एनएच न्यू नॉट किया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो एग्जैक्टली डेफिनेशन भी नहीं था नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर आ रहा था वहां पे एच न्यू, जो भी मैंने डेफिनेशन पहले बताया क्वांटम मैकेनिकली, ये डेफिनेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी, क्योंकि एच न्यू फैक्टर वहां पे प्रेजेंट है, ये फैक्टर एच न्यू. तो इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये क्वांटम मैकेनिकल डेफिनेशन बना जब आप पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन इंक्लूड कर रहे हैं. तो इंटेंसिटी से आपको हिंट हो जाएगा कि कितने फोटॉन्स आप इंसिडेंट कर रहे हैं. अब यहाँ पे 100% कन्वर्जन रेट है कि 1 फोटॉन से 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एच न्यू एनर्जी को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा. ऐसा नहीं करेगा कि इसका कोई पार्ट एब्जॉर्ब कर ले, ये किसी अनदर फिनोमेना में इंक्लूड हो सकता है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कंप्लीट एब्जॉर्बेंस ऑफ फोटोन है. एच न्यू एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये एच न्यू एनर्जी बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन. तो फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, ये एनर्जी टू पार्ट में यूज होगा. एक तो टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल टू सरफेस, that is known as work function, and remaining energy to provide kinetic energy to ejected electron. और mostly book में जब आप ये kinetic energy notation use करते हैं तो suffix में एक word आता है maximum. इसको भी explain करेंगे कि maximum word क्यों use करके चल रहे हैं. तो पहले यहाँ पे ये phi notation के लिए definition note कर दें, that represent work function. अब जैसे ही आप quantum mechanics apply करेंगे, particle nature of radiation लेंगे, तो ईच एनर्जी को फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट इक्विवेलेंट बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को एनर्जी इक्विवेलेंट बना सकते हैं. इसी से आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट मिलेगा. वर्क फंक्शन, जिसको आप यहाँ पे फोटोन की एनर्जी एच न्यू था, इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे तो एच न्यू नोट आएगा, वेयर न्यू नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. द मिनिमम एनर्जी required
to eject the electron. From the surface of a particular material is called work function of that material. So nu naught is known as threshold frequency. जिसको आप phi by h लिखेंगे. तो ये अगर फोटोन का कंसेप्ट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर नहीं रहना रेडिएशन में, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट नहीं है. अब यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन को आप कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन लेंगे देन न्यू माइनस न्यू नॉट. तो बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन we find this expression. Classically expression nahi tha, quantum mechanics ke liye. Aur is expression se aap compare kar sakte hain jo first experimental observation hai. Agar aap frequency ko, incident radiation frequency ko threshold frequency se less le rahe hain, then kinetic energy of ejected electron will be negative. अब ये काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी को टू डिफरेंट वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं. एक तो काइनेटिक एनर्जी को नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में अगर आप डेफिनेशन लें तो पी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम या हाफ एम वी स्क्वायर पड़ता है, जो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. अगर कोई पार्टिकल किसी मेटीरियल में बाउंड है तो उसके आउटर में वो इजेक्ट नहीं हुआ. नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग ये है कि वो अभी भी उसके इनसाइड में ही बाउंड है, सरफेस के आउटर में नहीं आया. अनदर इसी एग्जाम्पल, इसी पार्ट को आप एग्जाम्पल वाइज कंसिडर कर सकते हैं. अगर किसी पार्ट के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो आपने इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी लिया है न्यू, दैट एनर्जी पे अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव बनेगा, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना. इट मीन्स अभी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर एनर्जी प्रोवाइड करना है. अभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, अभी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और प्रोवाइड करना है. प्रोवाइड करना था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट आपने इस लिमिट में जितना मिनिमम है उससे लेस एनर्जी प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. मिनिमम से लेस एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे लेस एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. और अगर ये डेफिनेशन पे जाएं हाफ एम बी स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है. नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी मींस नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये आपको मैंने एग्जांपल वाइज हिंट कर दिया कि अभी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर एनर्जी और प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए. तो फर्स्ट कंडीशन जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए है, नेक्स्ट इसमें आपको अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को जितना इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए उससे लेस प्रोवाइड करेंगे इस कंडीशन में, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. वो सिर्फ क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबल है, क्लासिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये एक्सप्रेशन एच न्यू माइनस न्यू जीरो नॉट कराया है. तो क्वांटम मैकेनिकली ये कंडीशन आया है, न्यू लेस देन न्यू नॉट पे नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Negative kinetic energy means no ejection of electrons. अब अगर यही आप incident photon, incident radiation frequency increase कर रहे हैं तो in the limit nu less than or equal to nu naught, अगर आप ग्रेटर देन साइन ले रहे हैं, पहले जो सेकंड कंडीशन नॉट कराया था वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, मैंने ग्रेटर ले लिया, तो आप कंपेयर करिए एच न्यू वैल्यू एच न्यू नॉट से ग्रेटर है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन
पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन सरफेस के आउटर में कहीं आपको ऑब्जर्व हो जाएगा विद नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो पॉजिटिव तभी होगा जब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर कहीं पर नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दैट मींस नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जीरो काइनेटिक एनर्जी और पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी मींस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसी में इक्वलिटी साइन ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो आया सरफेस पे। अब इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करना है अगर आपको, वो इजेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहां पे टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। सपोज इस इलेक्ट्रोड पे आपने फोटोन इंसिडेंट किए हुए, तो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से इजेक्ट होंगे। अब आपको इस इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट करना है, अगर वो कलेक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तभी कलेक्ट हो पाएगा। इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो फील्ड से वो इजेक्ट हो रहे हों, वो रेडिएशन के हेल्प से इजेक्ट हों, उसको से डिटेक्ट करना है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए सरफेस पे ऑब्जर्व करने के लिए आप इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोलरिटी क्रिएट करेंगे। इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। अब चाहे वो जीरो काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे इजेक्ट हुए हों, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल डिफरेंस से भी प्रोवाइड होगा। देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ तो चाहे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, कोई सरफेस पे कभी ऑब्जर्व नहीं होगा, पॉजिटिव पोलरिटी वाले इलेक्ट्रोड पे कभी ऑब्जर्व नहीं होगा। जब इजेक्ट होगा चाहे वो नॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट हुआ हो, चाहे जीरो काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट हुआ हो, श्योरली इस इलेक्ट्रोड पे डिटेक्ट हो जाएगा। तो जीरो काइनेटिक एनर्जी पे भी अगर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस से, अगर वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस से वो इस इलेक्ट्रोड पे जरूर इजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा और स्ट्रेट लाइन मोशन से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। चार्ज फ्लो करता है तो उससे करंट अराइज होता है, dQ/dt। तो आप फोटो करंट को ऑब्जर्व करके, फोटो करंट को ऑब्जर्व करके आप वहां पे ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट और न्यू इक्वल टू न्यू नॉट पे भी आपको फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो या पॉजिटिव आए, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो फर्स्ट टू कंडीशन फ्रिक्वेंसी बेस्ड आपको जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था उसमें आपको कंफर्म हो गया। अब थर्ड पार्ट पे जाइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कंपेयर करिए एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया है क्वांटम मैकेनिकली, न्यू नॉट मेटीरियल बेस्ड कॉन्स्टेंट है, रेडिएशन का करेक्टरिस्टिक यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है न्यू, तो इंटेंसिटी पार्ट नहीं आया यहाँ पे, वन फोटोन से वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है और फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन पे काइनेटिक एनर्जी टर्म आपको डिपेंडेंट है। जैसे ही न्यू को चेंज करेंगे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। इसी एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं, अगर फ्रिक्वेंसी को आप वर्क फंक्शन सेम लिया आपने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब आप एक बार एच न्यू ले रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक बार एच न्यू ले रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। तो आप चेक कर लीजिए ये एच न्यू कब चेंज होगा, एच तो कॉन्स्टेंट है जब फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हो, तो फ्रिक्वेंसी बेस्ड आपको काइनेटिक एनर्जी बन रहा है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, जो थर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बताए हैं, ये थर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंस फ्रिक्वेंसी बट नॉट बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. तो नंबर ऑफ फोटोन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आया, इसलिए इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, ओनली फ्रिक्वेंसी बेस्ड आया है ये रिलेशन. नेक्स्ट है, देयर इज नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस. ये आप जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का कंसेप्ट आता है, एनर्जी क्वांटाइजेशन से डिस्क्रीट एनर्जीज का कंसेप्ट आता है. अब अगर ये मटेरियल जब एनर्जी एक्सचेंज करेगा तो इलेक्ट्रॉन दीज एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा. अब इनके गैप के इक्विवेलेंट ही फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है इलेक्ट्रॉन. तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर लेवल में है तो उसको एब्जॉर्ब करने का जो टाइम है कि कितने ट्रांजिशन के लिए एक स्टेट से अनदर स्टेट में ट्रांजिशन का जो टाइम है, जितना टाइम ट्रांजिशन के लिए लगेगा उतना ही यहाँ पे टाइम डिफरेंस आ सकता है जैसे रेडिएशन इंसिडेंट हुआ और इसको इजेक्ट करने के लिए. इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा किसी हायर लेवल में चला जाएगा और हायर लेवल मूव करने के लिए या डीऑक्साइड करेगा तो लोअर लेवल में आ जाएगा. तो जो ट्रांजिशन का टाइम है उतना टाइम डिफरेंस हो सकता है, बट वो आप कंपेयर करें तो ये टाइम डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा 10^-8 or 9 seconds का. अगर आपने 1 second के लिए भी रेडिएशन इंसिडेंट किया और 1 second के रेस्पेक्ट में 10^-9 वेरी स्मॉल है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट से आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे 10^-9 को. जब डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है, जैसे ही डिस्क्रीट एनर्जी का कंसेप्ट आएगा ये टाइम डिफरेंस वाला पार्ट ऑटोमेटिकली, नो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस वाला पार्ट ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएगा. बट अगर कंटिन्यूस एनर्जी थी तो यहाँ पे कभी 1 hour, कभी 1 day, कभी 2 days का डिफरेंस आ रहा था. बट क्वांटम मैकेनिकली टाइम डिफरेंस पॉसिबल तो हो सकता है, बट वो टाइम डिफरेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-8 or -9 seconds. This is very, very less than. तो डिटेक्टेबल टाइम डिफरेंस नहीं होगा, बट ऐसा नहीं कि टाइम डिफरेंस जीरो हो, 10^-9 seconds के ऑर्डर का टाइम डिफरेंस पॉसिबल हो सकता है. अब इसी में जो लास्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, फोटो करंट DQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और इलेक्ट्रॉन का नंबर N ही ले रहे हैं. जितने इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में फ्लो करेंगे उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको करंट प्रोड्यूस होगा. तो दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट अभी यहाँ पे आपको मैंने एजम्पशन लिया था कि नंबर ऑफ फोटोन जो आपने एन यूज किया था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैच करे. तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर इंटेरिया पर टाइम जो आपने नंबर ऑफ टाइम वाला पार्ट लिया है तो ये एन ई बाई टी यहाँ पे मैच कर जाएगा. तो ये टर्म को कंपेयर करिए, जो इलेक्ट्रॉन के रेट से फोटो करंट बन रहा था वही नंबर ऑफ फोटोन पे चला गया और नंबर ऑफ फोटोन ये आपको डिस्कस किया था इंटेंसिटी क्वांटम मैकेनिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो ये नंबर ऑफ फोटोन को आप यहां पे एलिमिनेट करेंगे तो दिस टर्म इंटेंसिटी तो आपको फोटो करंट का आइडिया मिल गया कि इंसिडेंट फोटोन की इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा फोटो करंट, फ्रीक्वेंसी का यहां पे कोई पार्ट नहीं है. तो ये आपके 5 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो मैंने नोट किए थे वो क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन हो रहे हैं ओनली सिंगल कंसेप्ट यूज करके, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन और एनर्जी प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन एक्सप्रेशन. जैसे ही एनर्जी को आपने क्वांटाइज लिया ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन हो गया. तो ये पॉइंट्स अभी जस्ट मैंने आपको ये डिफरेंस कंफर्म करने के लिए कि कैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं तो जो थियोरटिकल रिजल्ट है और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो मैच नहीं करते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स में सिंगल कंसेप्ट एनर्जी क्वांटाइजेशन जैसे ही आपने अप्लाई किया थियोरटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स
मैच कर जाते हैं, और जैसे ही वो मैच करेंगे, जिस थ्योरी से मैच करेंगे वो थ्योरी दैट पर्टिकुलर फिनोमेनन के लिए सक्सेसफुल थ्योरी होगा। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्वांटम मैकेनिक्स यूज करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स यूज नहीं करेंगे। तो मैंने जो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, वो अब क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन हो रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सक्सेसफुल थ्योरी है उसी के स्टेप्स फॉलो करेंगे, फेलियर जो थ्योरी फेल हो गया उसके स्टेप्स आप फॉलो नहीं करेंगे। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के लिए एक मैंने सफिक्स में वर्ड यूज किया था मैक्सिमम, मैं इसको भी पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर प्लॉट करते हैं। देखो जब आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिमेन लेंगे तो स्पेसिमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपने मेटल लिया हुआ है तो मेटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने स्टेटमेंट पे जाइए मैटर लिखा था यहाँ पे, बट मैं एग्जाम्पल मेटल का ले रहा हूँ। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, सरफेस के इनसाइड में मैटर के इनसाइड में इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, और फ्री का मतलब ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि कोई एक एटम का इलेक्ट्रॉन किसी अनदर एटम को शेयर कर सकता है। अब इसके साथ साथ जब एटम है तो वहां पे उसमें न्यूक्लियस पार्ट भी है, आयन भी है, और जब आयन होगा तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे फोटोन इस आउट अपर लेयर वाले इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड हुआ, और बोथ के डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हो गया। बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये किसी इनर लेयर से इंटरेक्ट करे फोटोन, जब इनर लेयर से इंटरेक्ट करेगा तो इसके जब इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस पे आएगा तो ऐसा हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन कर ले, इलेक्ट्रॉन किसी आयन से कॉलिजन कर ले। जब ये कॉलिजन करेगा तो कॉलिजन में सम एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो वर्ड लिखा है हमने बाकी डिसिपेटिंग फैक्टर्स को एबसेंट माना है, ओनली जो फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन के डिफरेंस के इक्विवेलेंट एनर्जी है वो यहाँ पे हम इस थियोरेटिकल कैलकुलेशन में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए वर्ड है मैक्सिमम। जब आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में ये अपर लिमिट बनेगा काइनेटिक एनर्जी का। अगर आपको किसी पर्टिकुलर थियोरेटिकल पार्ट से ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्जर्व हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड हुआ, तो जब आप इसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में 0 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक किसी भी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व हो सकता है। तो ये मैक्सिमम इसलिए है, इससे लेस एनर्जी का कोई भी इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर रेडिएशन से उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इजेक्ट हो सकता है। रीजन सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। मैक्सिमम वर्ड इसलिए है कि ऑल डिसिपेटिंग फैक्टर्स वहां पे एबसेंट किए हुए हैं, ओनली डिफरेंस ऑफ फोटोन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। जो मैक्सिमम आएगा उससे लेस एनर्जी का कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, बट 0 से लेस एनर्जी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 0 से लेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम सफिक्स में क्यों है वो आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिया। अब इस प्लॉट को करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू। तो ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट है, सभी से प्लॉट हो जाना चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट आप ड्रॉ करेंगे, न्यू इक्वल्स न्यू जीरो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन 0 था, जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको पॉजिटिव मिलेगा, और ये लीनियर वेरिएशन है, ये आप कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, दिस टर्म इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो दिस टर्म इज नेगेटिव। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को भी अगर आप प्लॉट करना हो तो किसी नॉन मटेरियल के लिए आपको वर्क फंक्शन का आइडिया होगा, एच न्यू नॉट का आइडिया होगा, और डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के आप वहां पर रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं तो एच न्यू का डेटा आपको पता चलेगा, और एच न्यू का डेटा पता है, एच न्यू नॉट का पता है, तो आपको एच न्यू की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रिजल्ट्स पता चल जाएंगे, और दीज पॉइंट्स को यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एक्सपेरिमेंटल प्लॉट, थियोरेटिकल प्लॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनेगा,
थियोरटिकली अगर आप इसको प्लॉट करना हो तो ये लाइन को आप अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो ये इंटरसेप्ट माइनस एच ई नॉट है, तो इसको अगर इस स्ट्रेट लाइन को सेम स्लोप पे इन बैक में इंक्रीज करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपको एच नी नॉट की वैल्यू देगा, दिस वैल्यू माइनस एच नी नॉट, नेगेटिव है तो एच नी नॉट आपको यहाँ पे पता चल गया, तो वर्क फंक्शन आपको पता चल गया। बट सम बुक्स में ये ऐसा सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया होगा तो एक कंसेप्चुअल मिस्टेक वहां पे होगा कि आप न्यू लेस देन न्यू नॉट के लिए तो आप इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट ही नहीं हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को आप मेजर ही नहीं कर सकते, ओनली पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी को ही आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ये प्लॉट ये डायग्राम बताया था एक्सपेरिमेंट के लिए, जब इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करना है तो इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोलरिटी प्रोवाइड करेंगे जिस सरफेस पे आप फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोड पे आप रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं उससे अनदर इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोलरिटी पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। बट इसी में अगर आपको काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना हो, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना हो तो इस डायग्राम में पोलरिटी एक्सचेंज हो जाएगा, तो जिस सरफेस पे आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया है अब उस सरफेस के रेस्पेक्ट में, उस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में अनदर इलेक्ट्रोड को आप नेगेटिव पोलरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये बोथ पार्ट को आप कंपेयर कर लीजिए, एक बार इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करना है और एक बार उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है। तो अब की बार इस इलेक्ट्रोड को यहां पे आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया हुआ है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अब इनकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है और काइनेटिक एनर्जी मेजर करने के लिए अब की बार इसको नेगेटिव पोलरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे इस पोटेंशियल को वेरी कराते जाएंगे और जिस काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहां पे इजेक्ट हो रहा है तो पहले वो इस इलेक्ट्रोड पे ऑब्जर्व होगा। अब यहां पे आपने उसके काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट पोटेंशियल चार्ज पार्टिकल को जब आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्यू वी होता है। अगर आप उसको रिपेल करना चाह रहे हैं तो माइनस से आप रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट डायरेक्शन में आप उस पर इसके इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज पहले 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पे एनर्जी 0 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो जैसे आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड करेंगे नेगेटिव में तो 1 से लेस वाले ऑल इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे रीच नहीं करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पे डिटेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने पोटेंशियल लाइक दिस प्रोवाइड किया यहाँ पे कि उसके इक्विवेलेंट क्यूवी वैल्यू अगर वोल्टेज डिफरेंस बोथ इलेक्ट्रोड में जो V ले रहे हैं वो आपने 1 वोल्ट ले लिया तो यहां से जब आप उसका काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। तो 1 वोल्ट पे 1 वोल्ट नेगेटिव पोलरिटी का पोटेंशियल प्रोवाइड करने पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस एनर्जी वाले सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे। बट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 to 4 है, अब आपने अगर इसको 2 वोल्ट कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बन गया, 3 वोल्ट कर दिया 3 वोल्ट पोटेंशियल प्रोवाइड किया इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे। बट अभी भी सम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन इस पे रीच करते जाएंगे, जब रीच करेंगे तो सम इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे। बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है 4, जब आप यहाँ पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव पोलरिटी पे इसको प्रोवाइड कर देंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगा, उस टाइम पे नंबर ऑफ फोटॉन्स डिटेक्टेड एट नेगेटिव पोलरिटी इलेक्ट्रोड 0 होगा। इट मींस यहाँ पे कोई सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ,
तो फोटो करंट जीरो बन जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक कंसेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, द एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड नेगेटिव कर रहे हैं बट उसका जो मैग्नीट एब्सोल्यूट पार्ट है, जैसे -4 प्रोवाइड किया तो उसका 4 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल बनेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू -4 का मैग्नीट्यूड पार्ट 4 वोल्ट बनेगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट विच नो इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टेड एट नेगेटिव पोलरिटी इलेक्ट्रोड और फोटो करंट जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट भी आएगा। नेक्स्ट प्लॉट करेंगे यहां पे वोल्टेज डिफरेंस, जो नोटेशन मैंने पहले बताया, दिस इज नॉट सिंगल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स वी, तो सिंगल वोल्टेज नहीं है, दिस इज वोल्टेज डिफरेंस एंड फोटो करंट। अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी कांस्टेंट ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट ले रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फिक्स हो गए। जब फोटॉन्स फिक्स हो गए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यूनिट टाइम में ऑब्जर्व होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद वो फिक्स हो जाएगा। बट जैसे ही आपने पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया, ये पॉइंट पे जाएंगे, इस डायग्राम में जाएंगे, यहाँ से सपोज एक पर्टिकुलर एग्जांपल आप कंसीडर करें, किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे आप 100 फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंसिडेंट कर रहे हैं, पर सेकेंड आप 100 फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं यूनिट एरिया पे, तो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स यूनिट टाइम में इजेक्ट होंगे। हंड्रेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इजेक्ट होंगे तो यहाँ पे आपको करंट बनेगा, चार्ज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, जब पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो ये बिटवीन टू इलेक्ट्रोड जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है, तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को मूव करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम वेरी स्मॉल है, और जब स्मॉल टाइम होगा तो अप्रोक्सीमेटली 100 इलेक्ट्रॉन्स पर इन टाइम पर सेकेंड 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएंगे, और जब 100 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व हो जाएंगे तो मैक्सिमम करंट बनेगा, तो ये मैक्सिमम करंट हो गया। और जैसे ही आप पॉजिटिव पोटेंशियल हायर वैल्यू के लिए आप अप्लाई करेंगे पॉजिटिव साइड में, अभी इसको पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे जो मैंने प्रोवाइड किया, ये पार्ट की बात कर रहे हैं, ये पार्ट इसको पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जीरो से स्लाइटली जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे उसके आगे फिर पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे तो फोटो करंट सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स हो गए, और फिक्स होने से जो करंट का कंडीशन है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। बट जैसे ही आप इसमें जीरो से जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो फोटॉन्स तो फिक्स हो गए, बट जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का नंबर है जिनकी काइनेटिक एनर्जी, अभी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं आएगी, मैक्सिमम की 4 है, उससे लेस कुछ भी हो सकती है, तो जिनका एनर्जी अगर आपने -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड किया, जिनका एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो इलेक्ट्रॉन आपकी बार यहाँ पे अनदर इलेक्ट्रोड पे डिटेक्ट नहीं होंगे, तो हो सकता है कि वो ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन थे जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो 100 इजेक्ट हो रहे थे बट इस इलेक्ट्रोड पे अब की बार 90 बनेंगे, और जब 90 बनेंगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा यूनिट टाइम में, और आप नेगेटिव में पोटेंशियल चेंज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो अनदर इलेक्ट्रोड पे आप ऑब्जर्व कर रहे थे वो स्टॉप होते जाएंगे, तो लेस नंबर में वहां पे
डिटेक्ट होंगे और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएंगे, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस के इक्विवेलेंट है, जो आप यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल नोटेशन वी एस ले सकते हैं। और ये इसका काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट बनाएंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ई वी एस, और ये वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है जो यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल में लेना है। अगर यहाँ पे -4 वोल्ट अप्लाई किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 4 वोल्ट। अगर ये -4 पे जीरो होता है तो यहाँ पे वी एस वैल्यू, आपको ये हिंट किया था डेफिनेशन में, वर्ड यूज किया एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज -4 मॉड वैल्यू 4 वोल्ट। तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे ये आपको फोटो करंट का प्लॉट मैंने डिस्कस कर दिया। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन बनेगा कि कितने फोटॉन्स आप इजेक्ट कर रहे हैं। अगर ये इंटेंसिटी चेंज कर देंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगा। अगर यही प्लॉट आप कर रहे हैं टू डिफरेंट इंटेंसिटी पे बट फ्रिक्वेंसी फिक्स है, फ्रिक्वेंसी अभी भी आप लोगों ने लाइक दिस लिया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो न्यू को कांस्टेंट कर दिया बट टू डिफरेंट इंटेंसिटी ले रहे हैं जो सेपरेटली कांस्टेंट है। I1 भी कांस्टेंट है, अनदर इंटेंसिटी I2 भी कांस्टेंट है, बट दीज टू इंटेंसिटी डिफरेंट है। I2 इज ग्रेटर देन I1, तो कोई एक पार्ट के लिए तो सेम प्लॉट ले सकते हैं। बट अनदर के लिए जो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन फोटो करंट है, सैचुरेशन सैचुरेटेड वैल्यू, वो अब की बार लेस वैल्यू पर सैचुरेट होगा क्योंकि I1 I2 से लेस है, दैट मींस वहां पे लेस नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स I2 के रेस्पेक्ट में अब की बार लेस आएगा, और जब लेस होगा तो फोटो करंट भी मैक्सिमम वैल्यू हायर फ्रिक्वेंसी हायर इंटेंसिटी वाले रेडिएशन के रेस्पेक्ट में लेस बनेगा। बट फ्रीक्वेंसी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगा। तो यहाँ पे I2 जिसके लिए ये करंट हायर है उस इंटेंसिटी उसका हायर होगा, तो ये I2 के लिए है, ये प्लॉट I1 के लिए है। सेफ सिमिलर सेफ है, क्वालिटेटिव प्लॉट है ये, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे कितना फोटो करंट होगा वो कैलकुलेट करने के लिए आपको मेटीरियल नोन होना चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी का आप रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं उसका इंटेंसिटी क्या है, उससे आप नोन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। मैंने यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का 4 लिया है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 से आपको हिंट किया है। कोई और वैल्यू होगा तो आप और कोई अनदर वैल्यू ले सकते हैं। ये टू डिफरेंट इंटेंसिटी पे प्लॉट हो गया, सिमिलर प्लॉट अब आप टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे कर सकते हैं। इंटेंसिटी सेम लें, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट लें, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, न्यू 1 लेस देन न्यू 2, और दोनों ही फ्रीक्वेंसी सेपरेटली कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू सिंगल बनेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट इससे लेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटो करंट फाइंड करेंगे तो टू डिफरेंट वैल्यू पे स्टॉपिंग फोटो करंट 0 बनेगा। जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे वो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। ये लेस पे स्टॉप हो रहा है तो ये न्यू 1 का प्लॉट है, ये हायर वैल्यू पे ये न्यू 2 है। तो यहाँ पे टू डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते थे कि एक के कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक के कॉरस्पॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टू डिफरेंट पे आपको यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल
ऑब्जर्व होगा एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक 4 वोल्ट. जिस वोल्टेज पे वोल्टेज डिफरेंस पे फोटो करंट जीरो बनेगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका एब्सोल्यूट वैल्यू. रीजन आपको हिंट कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है. फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा. जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसको स्टॉप करने के लिए हायर पोटेंशियल नेगेटिव पोलैरिटी में अप्लाई करना पड़ेगा. मैं हायर वर्ड जो यूज कर रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कर रहा हूँ. जैसे -4 अप्लाई किया तो उसका 4 वैल्यू हायर है एब्सोल्यूट वैल्यू. यहाँ पर 2 डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज आएंगी. एग्जाम्पल वाइज चाहे तो नोट कर सकते हैं K1 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और K2 सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये 2 के लिए है और ये 5 के लिए. तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है. ये -2 पे स्टॉप होगा और ये -5 वोल्ट पे स्टॉप होगा. तो सम प्लॉट्स पे बेस भी प्रॉब्लम पूछा जाता है, बट यहाँ पे जो एजम्पशंस हैं प्लॉट के लिए वो आपको मैंने हिंट किया हुआ है कि इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट है. जब इनमें कोई वेरिएशन होगा तो आप ये एक्सप्रेशन, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, फोटो करंट से कैसे रिलेटेड है, वो पॉइंट आप यूज करके प्लॉट आप कर सकते हैं. एक पॉइंट और नोट करेंगे यहां पे, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड इंसिडेंट सरफेस. वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर बिटवीन सोर्स एंड इंसिडेंट सरफेस. सपोज आप इस सरफेस पे आप रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं और सोर्स आपने रेडिएशन का इससे आर डिस्टेंस पे लिया हुआ है. ये सोर्स है और इस पॉइंट पे आप इंसिडेंट कर रहे हैं. तो यहां पे इंटेंसिटी कुछ और होगा और यहां पे इंटेंसिटी कुछ और. अगर ये इंटेंसिटी का वेरिएशन आपको पता चल जाए तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इस रिलेशन से आप ये फोटो करंट और डिस्टेंस का रिलेशन चेक कर सकते हैं. इसको रिलेट करने के लिए आपको इंटेंसिटी का डेफिनेशन जो मैंने पहले डिस्कस किया है, तो 2 टाइप ऑफ इंटेंसिटी होंगी, आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ सोर्स और इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन. सोर्स रेडिएशन इमिट करेगा और आई इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ये 2 डिफरेंट इंटेंसिटी है. अब जितना सोर्स यहां पे एनर्जी यूनिट टाइम में इंसिडेंट करे इमिट करेगा उतना ही इस आर रेडियस के, यहां पे एक स्फीयर आप एज्यूम कर रहे हैं आर रेडियस का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस सरफेस पे. तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम ये मैच करेंगे. इंटेंसिटी मैच नहीं करेगा, एनर्जी पर जितना एनर्जी यूनिट टाइम में इमिट हो रहा है उतना ही एनर्जी ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली इंसिडेंट होगा. यहाँ पे भी एजम्पशन मान रहे हैं कि बीच में कोई एब्जॉर्ब करने वाला मीडियम नहीं है, अगर अदरवाइज और भी इंटेंसिटी में डिसिपेशन हो जाएंगे.
तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम से मैच करेगा, बट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम जब आप फाइंड करेंगे वो इंसिडेंट एनर्जी से रिलेटेड, वो इमिटेड एनर्जी से, इमिटेड सोर्स की इंटेंसिटी से रिलेटेड है। एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी इंटू एरिया, ऑफ सोर्स, ये आप नोट कर सकते हैं। अब एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और एरिया ऑफ इंसिडेंट सरफेस, इससे मैच करेगा। अब आप कंपेयर करें, आपको चाहिए इंटेंसिटी आई, ये नोटेशन मैंने यहां पे बता दिया, तो ये रिलेशंस आपको कंफर्म हो गए यहां से, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फोटो करंट के लिए आपको ये डिपेंडेंसी चाहिए था, बट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम से मैच करेगा, जो आपको राइट साइड में भी डिस्कस किए हैं वो रिलेशन से यहां पे यूज कर सकते हैं। ये जो एरिया है वो एरिया ऑफ इंसिडेंट सरफेस है, यहां पे भी नोट कर देता हूं मैं, सोर्स का एरिया ए है और इंसिडेंट सरफेस का एरिया ए डैश है, तो ये आपको आइडिया रहेगा। तो ये मैंने ए डैश कर दिया, और एनर्जी इमिटेड ये फिर से ए डैश हो गया, और पर यूनिट टाइम, अब ये पार्ट को चेक करिए, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम यहां पे फाइंड किया आई नॉट, ये सोर्स का एरिया डिवाइडेड बाय ए डैश। अब ये ए डैश आपको मालूम है कि इसके एरिया ये यूनिफॉर्मली स्फीयर के सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये एरिया आपको यहां पे कंफर्म है 4πr². तो ये इंटेंसिटी का वेरिएशन आपको पता चल गया कि सोर्स की इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में क्या वेरिएशन है, तो फोटो करंट का वेरिएशन भी आपको पता चल गया, जो वेरिएशन इंटेंसिटी का है इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी का है सेम वेरिएशन फोटो करंट के लिए बनेगा। तो समटाइम इस पार्ट पे प्रॉब्लम पूछा जाएगा, तो ये आप रिलेशन से प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना, यहाँ पे कंपेयर करें, ये हमें चाहिए इन फोटो करंट के वेरिएशन के लिए इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का वेरिएशन चाहिए डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो डेफिनेशन सेम यूज किया है, बट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम से मैच करेगा, और एनर्जी पर यूनिट इमिटेड पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी ऑफ सोर्स से कैसे रिलेटेड है वो आपको डिस्कस होगा। ये एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम को मैंने नोट किया है आई नॉट इंटू एरिया ऑफ सोर्स, जो ए बताया है। अब ये जो ए डैश है एरिया ऑफ इंसिडेंट सरफेस, ये जो यहाँ से सोर्स से जो रेडिएशन इमिट होगा वो ऑल डायरेक्शन में जाएगा, और जो ऑल डायरेक्शन में जाएगा तो ये स्फीयर के जो सरफेस है, ये इंटरनल सरफेस जो दिख रहा है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये जो एनर्जी था वो 4πr² पे इंसिडेंट हुआ। अब पर यूनिट एरिया करना है तो 4πr² से डिवाइड करेंगे, तो 4πr² से डिवाइड किया तो बाकी फैक्टर तो कॉन्स्टेंट है, सोर्स का एरिया कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है, ओनली वेरिएशन सिर्फ डिस्टेंस पार्ट है, इसको मूव कराते चले जाएंगे तो ये एरिया चेंज होता जाएगा। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू आई नॉट बाई आर स्क्वायर, तो जो वेरिएशन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, वही वेरिएशन
फोटो करंट का आया है, आई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आज फर्स्ट लेक्चर था। मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताए, बट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने उनको फॉलो नहीं किया, या तो उन पॉइंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। वन और टू लेक्चर में तो इग्नोर मैं भी कर सकता हूं, बट उसके आगे वो इग्नोर नहीं होगा। मैंने बताया कि लेक्चर के बाद क्वेश्चंस पूछें, बट कुछ स्टूडेंट ने 5 मिनट बाद ही क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए, चाहे वो मैसेज के थ्रू पूछ रहे हों, चाहे अपने को अनम्यूट करके पूछ रहे हों। मैंने बोला कि जरूरत की चीजों के लिए ही मैसेज करिए, क्योंकि फिर मुझे हैबिट पड़ गया इग्नोर करने का, तो हो सकता है कि कोई जरूरी मैसेज छूट जाए। 4:30 तक लेक्चर था, लेक्चर ओवर हो गया। आप जिसको डाउट पूछना है आप डाउट पूछ लीजिए, एक एक करके डाउट पूछते जाइए। सर ये जो आपने वर्ब फंक्शन का बताया है, जब पोलैरिटी चेंज करते हैं, तो उसमें आपने बताया था कि अगर फोर लिया आपने एग्जांपल, स्टेटमेंट अच्छे से सुनिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं या वर्क फंक्शन की? सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की सर। तो फिर आपने जीरो से फोर लिया था और आपने बोला था अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं तो वो नहीं, मतलब की होगा, आप उसको अच्छे से नहीं सुन पाए। फिर मैंने रेंज लिखा काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, इसीलिए मैंने ये जो रेंज लिखे हैं ये चेक करिए, यहाँ पे लिखा हुआ था 0 to 6 volt इस एग्जांपल में। ये भी जो रेंज है स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो पर्टिकुलर मटेरियल में एक ही वैल्यू आएगी। ये काइनेटिक एनर्जी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का रेंज है। ओके, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेंज है कि 0 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। अब मैक्सिमम एनर्जी कितना है इसमें? 4 है ना? यस सर। तो 4 के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो स्टॉप हो जाएं, तो उससे लेस एनर्जी वाले तो सारे स्टॉप हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो इस मैक्सिमम एनर्जी के इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल बनेगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मतलब अगर 4 से कम अगर हम दे रहे हैं उसको काइनेटिक, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अनदर इलेक्ट्रोड पर जरूर ऑब्जर्व हो जाएगा। फोटो करंट की वैल्यू स्मॉल आएगी बट 0 नहीं होगी। ओके सर, मतलब 100 में से ऐसा हो सकता है कि 20 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इस अनदर इलेक्ट्रोड पे पहुंच रहे हो, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फोटो करंट आपको नॉन जीरो मिल रहा है। जब 100 के 100 स्टॉप हो जाएंगे तभी तो फोटो करंट जीरो बनेगा। ओके, और वो किस पे होंगे? 4 पे होंगे सर। हाँ, जो मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन अगर स्टॉप हो जाएगा, जो कट ऑफ लगाते हैं, ठीक है, कट ऑफ 4 पे लगाया, तो 4 से हायर वाले तो पहुंच सकते हैं, 4 से लोअर वाले थोड़ी पहुंच जाएंगे। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम एनर्जी 4 तक इजेक्ट हो रहे हैं, और हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइक दिस एज्यूम कर लिया कि 4 वाला स्टॉप हो गया, तो 3 वाले, 1 वाले, 2 वाले तो सब स्टॉप हो गए ना। हाँ जी। और आपके 100 इलेक्ट्रॉन के ग्रुप में कोई भी इलेक्ट्रॉन 4 से हायर एनर्जी का नहीं था, इट मींस 100 के 100 स्टॉप हो गए। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रेशोल्ड वो है। जब कोई रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे तो रेडिएशन में जो फोटोन की एनर्जी है उसका और वर्क फंक्शन के डिफरेंस से जो एनर्जी बनेगा वो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी आता है। एक्सपेरिमेंट अगर करने लगे उसी मटेरियल की कॉरस्पॉन्डिंग, उसी रेडिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 4 से हायर एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको 3.5 तक ही जाए एनर्जी एक्सपेरिमेंटली, 4 से हायर नहीं जाएगा। ओके सर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक, थैंक यू सर। और पूछना है किसी को? सर लास्ट स्लाइड दिखाएं। लास्ट स्लाइड, हाँ सर, ये हाँ जी सर, यहाँ पे जो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट अपॉन एडजेसेंट टू टाइम की है, वहां पर एनर्जी इंसिडेंट की जगह हम एनर्जी एमिटेड अपॉन टाइम की है ना सर? ये स्टार्टिंग में ही बता दिया ना मैंने। सपोज आपने सोर्स को ऑन किया था 10 सेकंड तक के लिए, अब 10 सेकंड में वो एनर्जी सरफेस पे भी तो इंसिडेंट हुआ, जितना एनर्जी इमिट हो रहा है उतना ही इंसिडेंट हो रहा है। हाँ सर। तो ये हाँ जी बोलिए, पहले आप बोलिए। टाइम हट जाएगा क्या? स्क्वायर हो जाएगा टाइम? कहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये रेशियो जाइए, ये रेशियो पे जाइए, इस रेशियो एनर्जी इंसिडेंट पर टाइम, एनर्जी इमिटेड पर टाइम है, वही तो लिखा है मैंने, स्क्वायर का हो जाएगा। नहीं सर, वही रेशियो है तब ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में तो रेशियो ही आया ना, एनर्जी और टाइम का रेशियो है। ठीक है,
टाइम सर मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं है पर यूनिट टाइम के साथ इनका रेशियो सेम है। हाँ जी या ये एनर्जी भी एक सुन लीजिए, जब आपने 10 सेकंड तक इस एक्सपेरिमेंट को किया तो यस सर 10 सेकंड तक आपने सोर्स को ऑन रखा तो एनर्जी इमिट हुआ 10 सेकंड तक ना। अब यस सर 10 सेकंड तक ही वो इंसिडेंट भी हो रहा है तो जो रिजल्ट होंगे वो यूनिट टाइम में ही आप इंटेंसिटी में तो यूनिट टाइम में ही चाहिए ना। यस सर तो मैंने वो परंट टाइम लिख दिया, जब अगर जितना एनर्जी इमिट हुआ है अगर कोई अब्सॉर्बिंग मीडियम नहीं है उतना इंसिडेंट भी हो रहा है। ओके तो 10 सेकंड में सोर्स जितना इमिट कर रहा है उतना ही 10 सेकंड तक सरफेस के एरिया पे इंसिडेंट हो गया वो। ओके सर सर तो टाइम तो एग्जिस्ट करेगा ना मतलब फॉर्मूले में इंटेंसिटी में तो टाइम चाहिए ना आपको पर यूनिट टाइम के लिए। अगर 10 सेकंड तक आपने एनर्जी इंसिडेंट किया तो एनर्जी 10 सेकंड से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। सर तो ये जो आपने लिखा I not into A upon 4 pi r square में तो टाइम है ही नहीं, ये इंटेंसिटी में टाइम नहीं बन गया, इस पार्ट में नहीं आ गया ये पार्ट। ये आप चेक करिए एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, यहाँ पे जाइए, ये पहले ही मैंने लिख दिया, मैं डायरेक्ट थोड़ी लिखा है, यहाँ पे चेक करिए ना। सर हाँ जी हेलो, एक क्वेश्चन था, ये जो आप पढ़ाए उससे नहीं है लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही है। अगर हम कोई मेटल प्लेट ले रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तो उसमें कुछ साइज का लिमिटेशन है क्या, अगर हम कितना स्मॉलेस्ट साइज तक ले सकते हैं जहां पे हमको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे। देखो ऐसा होता है कि जैसे हम जो अभी कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट या थियोरी पार्ट पढ़ रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग, तो हम उस साइज तक जा सकते हैं जिसमें कोई अनदर फेनोमेना की मोर पोलिटी ना आ रहा हो। ठीक है ना। हाँ जैसे आप जैसे मान के चलो आपने 1 मिलीमीटर का सैंपल ले लिया, आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया, अगर उसी 1 मिलीमीटर को आप नैनो साइज पे चले जाएं तो हो सकता है कि उसी रेंज में आपको कोई और फिनोमिना का रिजल्ट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व हो जाए। अच्छा नहीं वो रेडिएशन के वेवलेंथ से कोई तरह से प्लेट का साइज रिलेटेड है क्या? देखो जैसे ऐसा होता है जैसे आप क्रिस्टल डिफ्रेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे एक्सरे डालते हैं जी। तो अगर हम रेडिएशन की बात ही ना करें कि किस वेवलेंथ का ले रहे हैं, बाकी हमने ये माना कि उसमें रेडिएशन में कोई ना कोई वेवलेंथ है, तो मान के चलो डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है, तो डिफ्रेक्शन पैटर्न के लिए आपको एक तो ये भी चाहिए कि किस एनर्जी का या किस वेवलेंथ का रेडिएशन डाल रहे हैं, और जो वहां पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसका ऑर्डर का हम वेवलेंथ लेके चलते हैं। ये आप लोगों ने क्रिस्टल डिफ्रेक्शन पैटर्न के लिए कंडीशन पढ़ा होगा, ये पता है। हां तो वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, सैंपल का साइज नहीं है वो। हाँ वो उसमें तो वो तो डिफ्रेक्शन के लिए फिर फॉर्मूला भी अलग होता है। अगर आप हाँ अगर सैंपल को इतना छोटा तो नहीं बना सकते कि उसके इंटरप्लेनर स्पेसिंग से भी कम हो जाए। नहीं यहाँ पे सर मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका आंसर कर नहीं पाई, यही पूछा गया था कि अप टू व्हाट साइज वी कैन टेक टू अकर द फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेनन, प्लेट का साइज क्या कितना तक हम ले सकते हैं ताकि हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो, तो वो मुझे बुक में भी नहीं मिला इसलिए। देखो उसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मतलब बनेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो आप साइज को डिक्रीज करते चले जा रहे हैं, अब जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेंगे हो सकता है कि जो आपने जो एक स्पेसिमेन लिया है उसमें आपने लाइक दिस लेयर ले लिया कि उसके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ आपको कोई और भी फिनोमिना हो जाए और वो फिनोमिना उस पर्टिकुलर थिकनेस पे मोर प्रोबेबल हो, तो आप वहां पे इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होंगे बट आपको जो रिजल्ट वहां पे मिलेगा एक्सपेरिमेंट का हो सकता है कि साथ में जैसे अभी मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन से भी डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलेगा, आगे क्वांटम मैकेनिक्स में बताएंगे कि आपको उसके रिगार्डिंग जैसे करंट तो ऑब्जर्व कर लिया बट आपने उसी सेम बीम को आगे उस पर जब इंसिडेंट कराया तो आपको डिफ्रेक्शन पैटर्न भी बन रहे हैं, बट डिफ्रेक्शन पैटर्न आपको फोटोन से भी बन सकता है, इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है, तो इस तरह के डाउट क्रिएट हो सकता है जब मिक्स रिजल्ट पढ़ेंगे। Okay, अभी अभी जो हम सिंगल फिनोमेना पढ़ रहे हैं अभी जैसे आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया किसी पर्टिकुलर स्पेसिमेन में, चाहे आपने कोई थिकनेस लिया हो, उस सेम स्पेसिमेन से रेडिएशन हो सकता है कि आपको कॉम्पटन इफेक्ट भी शो कर दे, फिनोमेना टू डिफरेंट है, एक्सपेरिमेंट में भी रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलेंगे, दोनों के मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को 100% प्रोबेबल लेके चल रहे हैं, इट मीन्स
इसकी 100% पोलरिटी है, बाकी की पोलरिटी जीरो है, जबकि प्रैक्टिकली वो जीरो नहीं है। ओके सर, वेवलेंथ तो मिनिमम कितना भी साइज का ले सकते हैं क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? वो डिपेंड करेगा मेटीरियल पे। अभी तो आप लोगों ने अभी देखो 12th लेवल पे आप लोग मेटल पढ़ते थे, मैंने जनरलाइज डेफिनेशन बताया मैटर। मैटर इंसुलेटर भी हो सकता है, मैटर कंडक्टर भी हो सकता है, मैटर सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सेमीकंडक्टर में भी वैलिड है, सेमीकंडक्टर के लिए भी पॉसिबल है। और उसका आपने नोन एग्जांपल पढ़ा होगा सोलर सेल, फोटोडायोड्स पढ़े हैं, वहां पे भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो नहीं सर, जैसे कि फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी मेटल के लिए, देखो मेटल के लिए इसका ऑर्डर होता है 2-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर मेटल। अगर इस रेंज में जाएंगे तो विजिबल पोर्शन पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के मोर चांसेस है। बट अगर सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो सेमीकंडक्टर में हायर बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है? तो हायर रेंज में जाके इट मींस हो सकता है कि आपको एक्सरे पे या हो सकता है कि आपको अल्ट्रावायलेट रे पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो, ठीक है? इंसुलेटर में और भी हायर रेडिएशन डालना पड़ेगा, और इंसुलेटर के लिए इसलिए आप लोग एक्सपेरिमेंटली इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हुए बट वो नंबर इतना कम है कि आपको करंट ही ऑब्जर्व नहीं हुआ उसका। कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है आपके एम्पियर मीटर या गैल्वेनोमीटर, हो सकता है कि आपको माइक्रो रेंज तक, नैनो रेंज तक अगर ज्यादा ही सेंसिटिव वाला मटेरियल वो इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करें तो नैनोमीटर नैनो एम्पियर रेंज तक आपको करंट शो कर सकता है, बट अगर करंट पीको एम्पियर में आ रहा है तब तो ऑब्जर्व नहीं होगा। हेलो सर, हाँ ठीक। किसी भी मटेरियल से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो हम उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे रेडिएशन के हेल्प से। ओके सर। हाँ जी, और कोई पूछ रहे हैं? सर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, हाँ जी सर, उसमें और वर्क फंक्शन में क्या डिफरेंस है? मतलब डेफिनेशन तो पता है, हम रिलेट कैसे करेंगे? हाँ देखो, वर्क फंक्शन सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वर्क फंक्शन तब भी है जब हमने रेडिएशन इंसिडेंट नहीं किया है। जो भी मैंने लिखा मेटल के लिए 2-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अपने किसी मेटल का एक सैंपल लिया उसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन बाउंड है, किसी एक ही वैल्यू से होंगे। ये रेंज बताया सभी मेटल्स के लिए। कोई एक मेटल जैसे कंसीडर किया, सपोज आपने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन ले लिया, तो अब उस पर चाहे रेडिएशन डालें चाहे ना डालें, उसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं आया उसमें। क्लियर हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल तब आएगा जब रेडिएशन डाल दें और उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएं, उनको स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का कांसेप्ट आएगा। और उसमें हम फोटो करंट देखेंगे। हाँ, उसमें फोटो करंट देखेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। ये रिलेशन बताया मैंने पहले ईवीएस, तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली मैंने जो काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है ना, उसमें वो मैं वर्क फंक्शन वाला फार्मूला पुट करके देख रही थी कि कुछ एनालाइज हो जाए। नहीं, वर्क फंक्शन डिफरेंट कांसेप्ट, दिस इज द न्यू नॉट, दिस इज द डिफरेंस। यस सर।